हाय गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। तो आज है फाइनल दिन द बेस्ट कोड ऑफ कश्मीर का। आज फाइनल्स होने वाले हैं द बेस्ट कोड ऑफ कश्मीर के, जो कि पहला 3 मैचेस होने वाले हैं टोटल, और आज दिन में 2 होने वाले हैं और लास्ट का मैच कल होने वाला है। तो पहला मैप इरांगल होगा। यहाँ पर एक बार ही हम स्लॉट लिस्ट पे नज़र मारते हैं, देखते हैं फाइनल्स में हमारे साथ कौन कौन सी टीम्स खेलने वाली है। सबसे पहली टीम जो हमारे साथ फाइनल्स में खेलेंगी वो है राइज, बॉटेक्स, एसेक्स, वॉटेक्स, टीम फार, टीम एस, टीम डीएमई, टीम 147MS, टीम कार्टून्स, आईफ्लेक्स 69, एचएमयू, वॉरलॉक्स, एक्जॉन, वुल्फ, डॉन्टलेस, टीम अल्ट्रा, नल गेमिंग, टीएक्सटी गर्ल्स और बीटीबी। तो यहाँ पर एटीन स्कॉर्ड्स हमारे साथ होने वाली है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, राइज, बॉटेक्स, एसेक्स, वॉटेक्स, फार, एस, डीएमई, 147MS, कार्टून्स, आईफ्लेक्स 69, एचएमयू, वॉरलॉक्स, एक्जॉन, वुल्फ, डॉन्टलेस, टीम अल्ट्रा, नल गेमिंग, टीएक्सटी गर्ल्स और बीटीबी। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया टीम्स हमारे साथ फाइनल में होने वाली हैं। सारी टीम्स बेस्ट हैं, ऑब्वियसली यहाँ तक फाइनल्स में पहुँच चुकी हैं और ऑब्वियसली बेस्ट ही होंगी। इनमें इनने अपना बेस्ट दिया होगा, काफ़ी बढ़िया गेम प्ले होगा इन सब टीम्स का, इसीलिए फाइनल्स में आई है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट सभी टीम्स आ चुकी हैं। राइज के 3 बंदे आ चुके हैं, बॉटेक्स का भी एक ही बंदा है, वॉटेक्स एक्स एस के 3 बंदे आ चुके हैं, टीम फार की पूरी स्क्वाड आ चुकी है, डीएमई की पूरी स्क्वाड, डीएमई के 3 ही बंदे आए हैं, 147MS के 2 बंदे आए हैं और 147MS जूस उर्फ मीर जाफर आज 147MS की तरफ से ही खेल रहे हैं। कार्टून्स की पूरी स्क्वाड आ चुकी है, आईफ्लेक्स 69 की पूरी स्क्वाड है, एचएमयू के 3 बंदे, वॉरलॉक का 1 बंदा, एग्जॉन के 4ों बंदे आ चुके हैं, वुल्फ के 3 बंदे हैं, टीम डॉन्टलेस के भी 3 ही बंदे हैं, टीम अल्ट्रा के 4 बंदे हैं, टीम एनजी के 3 बंदे, एक्सकैल के 3 बंदे। और बीटीबी के भी 4ों बंदे आ चुके हैं इस रूम में। तो अगर हम बात करें टीम अल्ट्रा और टीम डॉन्टलेस के, तो एक हिसाब से कह सकते हैं बहुत अंडरडॉग टीम है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है इन्होंने, क्वालिफाई करके आए हैं इस टूर्नामेंट में, क्वालिफायर्स खेले हैं इन्होंने, क्वालिफायर्स फिर सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स और आज फाइनल्स में। तो काफ़ी बढ़िया खेला है इस टीम ने, तो देखते हैं फाइनल्स में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इनके। इनके पास गन पावर भी है और जोन रोटेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से देते हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से जोन रोटेशन भी देखती हुई मिली है हमें ये स्क्वाड्स, टीम अल्ट्रा और टीम डॉन्टलेस के स्क्वाड। तो देखते हैं फाइनल्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है इनका, जोन भी काफ़ी सही तरीके से जाते हैं और अगर थोड़ा सा अपना और बेस्ट दे तो मे बी फाइनल्स भी जीत सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सही खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्वालिफायर से लेकर अभी तक। तो देखते हैं इस वाले मैच में कैसा खेलेंगी ये। राइज की स्क्वाड का भी काफ़ी बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, काफ़ी बढ़िया खेले हैं, लेकिन 1-2 मैचेस में ज़रूर बीटी लगी है इनको, अर्ली एलिमिनेट हो गए थे 1-2 मैचेस में। वॉटेक्स की स्क्वाड ने भी काफ़ी बढ़िया खेला है, वॉटेक्स एक्स एस की स्क्वाड काफ़ी अग्रेसिव खेलते हुए हमें दिखी है पूरे टूर्नामेंट में। टीम फायर की स्क्वाड भी काफ़ी अच्छा खेल रही है, एस की स्क्वाड ने थोड़ा सा पहले कुछ मैचेस में थोड़ा सा परफॉर्मेंस का डाउन था, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी बढ़िया खेले, आगे आने वाले मैचेस में इन्हें काफ़ी बढ़िया खेला। डीएमई की स्क्वाड भी काफ़ी बढ़िया खेलते हुए दिख रही है और 147MS ने भी काफ़ी बढ़िया खेला, इनफैक्ट सेमीफाइनल्स में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला उन्होंने, 2 चिकन डिनर लिए इन्होंने बैक टू बैक। कार्टून्स की स्क्वाड भी काफ़ी बढ़िया खेल रही है, इनके पास गन पावर की कोई कमी है नहीं। आई पोपाई ने काफ़ी बढ़िया खेला था कुछ मैचेस में पिछले सेमीफाइनल्स के। आईफ्लेक्स 69 की स्क्वाड भी कह सकते हैं अंडरडॉग स्क्वाड है यहाँ पर, क्योंकि इनने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है और आज यहाँ पर फाइनल्स में हमारे साथ हैं। एचएमयू की स्क्वाड ने भी काफ़ी सही खेला यहाँ पर, वॉरलॉक की स्क्वाड भी है हमारे पास काफ़ी बढ़िया, ये भी खेलती है थोड़ी अर्ली फाइट्स, थोड़ा सा जोन के बाहर फाइट्स लेते हुए दिखी है हमें, लेकिन अगर वो चीज़ अवॉइड करे तो आगे यहाँ पर फाइनल्स में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकती हैं। एग्जॉन की स्क्वाड भी हमारे साथ है, वुल्फ की स्क्वाड भी हमारे साथ है, टीम डॉन्टलेस की जैसे हम अभी बात करते, काफ़ी बढ़िया स्क्वाड है। और यहाँ पर पहला रूम स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी टीम्स आ चुकी थी, जो टीम नहीं आई उनका लॉस है, फाइनल्स है यार, जल्दी टाइम पे आना चाहिए। यहाँ पर पहला मैच स्टार्ट हो चुका है द बेस्ट स्क्वाड ऑफ कश्मीर का, जो कि फाइनल्स है आज, फाइनल्स का पहला दिन है क्योंकि 3 मैचेस होने वाले हैं आज, 2 होने वाले और कल 1 होने वाला है।
देखते हैं पहला मैच जो कि रैंगल होने वाला है कैसा रहेगा यहाँ पर स्क्वाड्स के लिए, कैसी कौन सी स्क्वाड कैसा परफॉर्म करेंगी और पहले मैच का चिकन डिनर कौन लेगी, क्योंकि पहले मैच का चिकन डिनर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा स्क्वाड्स के लिए, क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंस को बूस्ट देता है अगर पहले मैच में आप काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लें, और चिकन डिनर तो यार बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा उस टीम को जो पहले मैच का चिकन डिनर लेगी और बाकी मैचेस काफ़ी सही से खेल पाएगी। यहाँ पर बी टी बी एच एम नब आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे, एक बार स्क्वाड की तरफ नज़र मारते हैं तो बी टी बी एच एम नब अकेले बनते हैं स्लॉट वन में, शायद से बी टी बी की तरफ से खेलने आए थे लेकिन टीम स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं ये यहाँ पर क्या करेंगे। राइस की पूरी स्क्वाड आ चुकी है, वॉटेक्स की पूरी स्क्वाड है, वॉटेक्स एस की भी पूरी स्क्वाड आ चुकी है, टीम फार की पूरी स्क्वाड है, एस की पूरी स्क्वाड है, डी एम ई की स्क्वाड है, 147 MS के सिर्फ 3 ही बंदे आए हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो सकती है इसके लिए। कार्टून की पूरी स्क्वाड है, आई 69 की पूरी स्क्वाड है, एच की पूरी स्क्वाड है, वॉरलॉक की पूरी स्क्वाड है, एक्जोन की पूरी स्क्वाड है, एक्जोन गुल्फ की पूरी स्क्वाड है, टीम डॉन्टलेस की पूरी स्क्वाड है, टीम अल्ट्रा की पूरी स्क्वाड है, एनजी के 3 ही बंदे हैं, एक्सकैल की पूरी स्क्वाड है और बीटीबी के चारों बंदे हैं, तो यहाँ पर शायद से बीटीबी एचएम नब एग्जिट कर लेंगे या पानी में डूब के मर जाएंगे। तो एक बार ही प्लेन पाथ की तरफ नज़र देते हैं तो फ्री फायर कोचिंग की स्कूल रोजोक सेवरनी की तरफ प्लेन पाथ दिख रहा है, काफ़ी सेंट्रलाइज प्लेन पाथ है तो ऑलमोस्ट सारी जगह एक्सेसिबल है, सारे ड्रॉप्स एक्सेसिबल है, यहाँ पर जार्की जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा टीम्स के लिए, और कम मिश्किल का मिल्टा पावर, मिल्टा तक तो आराम से पहुंच जाएंगे, ग्लाइड करना ज़रूर पड़ेगा, प्रिजन तक भी पहुंच सकते हैं, नोवो तक भी पहुंच सकते हैं, देखते हैं कौन सी टीम कहां पर ड्रॉप लेती है। यहां पर टीम से ड्रॉप लेना स्टार्ट कर दिया है, बीटीबी हमें यहां पर मिलिट्री बेस जाते हुए ज़रूर दिख रही है, वुल्फ की स्क्वाड भी मिलिट्री बेस के साइड से ड्रॉप लेती हुई दिख रही है, कार्टून्स का यूजुअल ड्रॉप वही फेरी फायर और कोचिंग के पीछे वाला एरिया, एग्जोन की स्क्वाड यहाँ पर प्रिमॉर्क्स जाते हुए दिख रही है हमें, एच एम ई की स्क्वाड फार्म के साइड से ड्रॉप ले रही है, यूजुअली वहीं से ड्रॉप लेते हैं, एनजी की स्क्वाड भी उनके साथ है, टीम डॉन्टलेस यहाँ पर गट का साइड से ड्रॉप ले रही है, बी टी बी एच एम नब जो है यहाँ पर स्कूल की तरफ करते हुए दिख रहे हैं, टीम फार ने भी उसी साइड पर ड्रॉप ले लिया है, डी एम ई की स्क्वाड ड्रीम्स की तरफ ड्रॉप ले रही है, रोजॉक में बॉटेक्स की स्क्वाड जाते हुए दिख रही है हमें, एस की स्क्वाड भी यासना की तरफ ज़रूर जाएगी हमें देखने को मिलेगी, देखते हैं राइज और एस के बीच में एक और अर्ली गन फाइट देखने को मिलेगी यहाँ पर या नहीं, तो यहाँ पर एच एम के साथ एनजी की स्क्वाड काफ़ी क्लोज आ चुकी है, चलते हैं निगा नॉट ओपी पे, नीचे कंपाउंड में लूट करने की कोशिश ज़रूर रहेगी, एनजी के दो बंदे इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज में मेरे को दिख रहे हैं, एनजी भी वहीं पर ड्रॉप ले रहे हैं, हामिल ओपी नीचे कंपाउंड में पहुंच चुके हैं और लूट भी कर लिया होगा उनने, तो देखते हैं एनजी ब्लेजी यहाँ पर कैसे, यहाँ पर इनके सामने दो यूएस ज़रूर है नीचे, तो देखते हैं ये लेकर आगे जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बिल्कुल यूएस पर ड्रॉप किया है तो गाड़ी लेके आगे जाने की कोशिश रहेगी इनकी, निगाह नॉट ओपी ने वहाँ से एक और यूएस सिक्योर कर लिए, तो बिना किसी इंटरप्शन के आगे चले जाएंगे, तब तक नज़र मारते हैं बाकी स्क्वाड्स पे, यहाँ पर सारी स्क्वाड्स अपना ड्रॉप ले लिया, एक्सकैल की स्क्वाड हमें जोधपुर नॉर्थ जाते हुए ज़रूर दिख रही है, टीम अल्ट्रा भी उसी साइड पर है, गाटका में वॉरलॉक और डीएमई की स्क्वाड में एक साथ दिख रही है, यहाँ पर चलते हैं यासना में जहाँ पर राइस की स्क्वाड है और वहाँ एस एक्स वॉटिक्स की स्क्वाड भी आती है, एस की स्क्वाड आ चुकी है वहाँ पर, तो चलते हैं हम देखते हैं अर्ली गन फाइट देखने को मिलेगी नहीं, एस की स्क्वाड ने वहाँ पर ड्रॉप लेने का डिसीजन नहीं लिया और थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, तो राइस की स्क्वाड के पास यासना पूरा अकेले है, वॉटेक्स में से फेकर वॉटेक्स बहुत स्प्लिट खेल रहे हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से, डीपी है इनके हाथ, हेलमेट वेस्ट नहीं है ना इनके पास, लेफ्ट बैकपैक मिला है, तो देखते हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेले हैं वॉच टावर में बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कैसे आगे फाइट निकाल पाएंगे, यहाँ पर इनकी बाकी स्क्वाड काफ़ी दूर है इनसे, एस फूफू भी एरिया में दिख रहे हैं हमें उसी एरिया में, 147 MS ने यहाँ पर आराम से स्कूल में ड्रॉप ले लिया, 3 ही बंदे खेल रहे हैं, थोड़ी सी डिसएडवांटेज ज़रूर रहेगी इन पर, तो देखते हैं कैसा खेलेंगे, टीपीपी ले रहे हैं शायद इन पे बंदे हैं कोई वहाँ पर, जी बिल्कुल बीटीबी एचएम नब स्कूल आ चुके हैं, अकेले बंदे खेल रहे हैं, शायद से बीटी दे सकते हैं 147 MS की स्क्वाड को, पता नहीं अकेले बंदे क्यों खेल रहे हैं स्लॉट वन में, इनको एग्जिट ही कर लेना चाहिए था क्योंकि ऐसे फजूल में बीटी देने का कोई फ़ायदा है नहीं, देखते हैं यहाँ पर बीटी दे पाएंगे 147 MS को या नहीं, इनके नीचे 147 MS जूस है, डीबीएस है बीटीबी एचएम नब पे, तो टेकडाउन कर सकते हैं बंदे को, यहाँ पर फिनिश कर दिया है 147 MS जूस ओपी ने, बहुत ही बढ़िया इजी किल 147 MS के हाथ, एक किल आ चुकी है, 3 ही बंदे खेल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया खेले 147 MS जूस, 147 MS के पास एक किल आ चुकी है, 3 ही बंदे खेल रहे हैं, वन मैन डिसएडवांटेज पे, तो देखते हैं कैसे जाता है इनका मैच ये वाला, एक यहाँ पर जोधपुर नॉर्थ में हमें एक स्कैल की स्क्वाड दिख रही है और उनके साथ एक और स्क्वाड है, देखते हैं ये और इनके साथ वॉटेक्स एक्स एस की स्क्वाड आ चुकी है आज, वॉटेक्स एक्स एस की स्क्वाड ने फिर से जोधपुर नॉर्थ में ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है, यसना में ड्रॉप करते थे पहले लेकिन वहाँ अर्ली गन फाइट इनको देखने को मिलती थी राइस के साथ, तो बेटर ने अपना ड्रॉप चेंज करके जोधपुर नॉर्थ कर दिया है अर्ली गन फाइट को अवॉइड करने के लिए और अर्ली कैजुअल्टीज को अवॉइड करने के लिए, तो काफ़ी बढ़िया डिसीजन रह सकता है इनका, तो देखते हैं यहाँ पर आगे जाके कैसा मैच रहेगा इनके, इनके सामने एक्सकैल की पूरी स्क्वाड है, तो देखते हैं ये फाइट कौन सी स्क्वाड अपने लिए निकाल के लेती है, यहाँ पर
एज गारा के पास पीपी बाइजन जरूर है, लेवल वन का हेलमेट वेस्ट है। पीपी बाइजन में डैमेज थोड़ा सा कम रहता है गन में, तो देखते हैं कैसा यूज़ करेंगे इस गन का। चलते हैं इस फेलिक्स पे, इस फेलिक्स के हाथ में उजी ज़रूर है। एक्सकैल खान को, किंग को स्पॉट ज़रूर कर लिया है, शॉट स्पॉट करने की कोशिश रहेगी, पता है कि वहाँ पर बंदे हैं। शॉट थोड़ा सा 50 HP छोड़ दिया। इस गारा ने एक्सकैल खान को नॉक कर दिया, बहुत ही बढ़िया नॉक है इस गारा का। एक्सकैल खान इनके सामने नॉक पड़े हुए, काफ़ी दूर नॉक दिया है, रिवाइव मिल जाएगा एक्सकैल खान को इजीली। वहाँ पर वॉर्टेक्स हेल्प फॉर यू हमें काफ़ी क्लोज आते हुए दिख रहे हैं एक्सकैल किंग के। एक्सकैल किंग काफ़ी स्प्लिट खेल रहे हैं, अपनी स्क्वाड से अलग है। अगर यहाँ पर एक्सकैल की स्क्वाड में पुश किया वॉर्टेक्स एस की स्क्वाड ने, तो थोड़ी सी मुश्किल रह सकती है उनके लिए, क्योंकि एक बंदा काफ़ी स्प्लिट है, दो ही बंदों को खेलना पड़ेगा। तो चलते हैं एक्सकैल किंग पे, जो कि पेन किलर्स लगा रहे हैं। एक्सकैल खान अभी भी नॉक पड़े हैं, पीछे नॉक हुए थे जी, पीछे जाने की कोशिश रही थी एक्सकैल खान की, शायद से एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे इनकी स्क्वाड पे, लेकिन नॉक हो चुके हैं। रिवाइव देने जरूर आएंगे। वॉरलॉक ने नॉक दे दिया डीटी पैराडॉक्स को, तो यहाँ पर डीटी की स्क्वाड, और यहाँ पर डीटी जेनो को भी नॉक दे दिया। वॉरलॉक ने यहाँ पर गटका में फाइट देखने को मिल रही है, डीटी जेनो भी नॉक हो चुके हैं, डीटी पैराडॉक्स को फिनिश दे दिया, डीटी जेनो को भी फिनिश दे दिया। तो यहाँ पर इनके बंदे कहाँ पर, गेल और सोल यहाँ पर रोटेट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन में फंसे हुए थे। टीम वॉर्डिस से 2 बजे और नॉक फिनिश हो चुके हैं। टीम वॉरलॉक को ऑलरेडी 2 किल्स मिल चुकी हैं, ईजी किल्स थी इनके पास। टीम डॉन्टलेस के 2 बंदे फिनिश हो चुके हैं, यहाँ पर 2 मैन ही खेल रहे हैं टीम डॉन्टेस की स्क्वाड। तब तक के लिए बाकी स्क्वाड की तरफ नज़र मारते हैं, तो बाकी सारी स्क्वाड ऑलमोस्ट आराम से लूट करते हुए दिख रही है। हम अपने ड्रॉप्स की तरफ, मिलिट्री बेस का एरिया बीटीबी की स्क्वाड ने अकेले होल्ड करके रखा है। गोल्ड की स्क्वाड नोवर अपना चली गई है, मिल्टा में एनजी की स्क्वाड दिख रही है। काम के एरिया पे एचएमयू की स्क्वाड जरूर है पूरा, एचएमयू डीजीओ भी थोड़ा सा स्प्लिट खेल रहा है अपनी स्क्वाड की तरफ से। एस की स्क्वाड लिपोव और मैंशन के एरिया में लूट कर रही है, राइस की स्क्वाड यासनाया में लूट करते हुए दिख रही है हमें। शेल्टर के एरिया में वॉर्टेक्स की स्क्वाड स्कूल में एज यूजुअल 147 MS, वाटर सिटी में टीम फायर दिख रही है हमें, अल्ट्रा की टीम सेवरनी में। हाँ अभी तो जोन की बात करें तो काफ़ी राइट साइड जोन बना है, तो देखते हैं कैसी टीम कौन सी रोटेशन प्रेफर करती है। यहाँ पर चलते हैं एक्सकैल की स्क्वाड पे, एक्सकैल की स्क्वाड के सामने अभी भी A6 वोटेक्स की स्क्वाड है, देखते हैं कैसे यहाँ पर फाइट निकाल पाएंगे, क्या यहाँ पर फॉल बैक करने का डिसीजन रहेगा, दोनों में से किसी एक स्क्वाड का म्यूचुअल डिसीजन रहेगा इनका, और आगे जाके जोन में फाइट लेंगे, क्योंकि फाइनल से काफ़ी कुछ स्टेक पे है, नहीं चाहते अर्ली एलिमिनेट हो और नहीं चाहते कोई भी कैजुअलिटी लेके डिसएडवांटेज पे खेलना पड़े। तो देखते हैं कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर टीम्स की। अभी भी एक्सकैल के एक बंदे काफ़ी दूर खेल रहे हैं, एक्सकैल किंग यहाँ पर काफ़ी स्प्लिट खेल रहे हैं अपनी स्क्वाड से, शायद एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं A6 वॉर्टेक्स की स्क्वाड पे, ताकि राइट से आके थोड़ा सा इनको पिन डाउन कर सके A6 वॉर्टेक्स की स्क्वाड को। तो देखते हैं क्या यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी काम आएगी या नहीं। बोल्ट एक्शन का इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है इस गारा के पास, अभी भी वही पीपी बाइजन है। इस फेलिक्स पे चलते हैं, AKM और उजी लेके वॉर्टेक्स अजार के पास, यहाँ पर कार 98 है जो इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़े से लो ज़रूर हो चुके हैं, लेवल 2 का हेलमेट डैमेज हो गया है। वॉर्टेक्स अजार का हीलिंग्स भी है इनके पास अच्छी खासी, देखते हैं कैसा क्या किसी को नॉक दे पाएंगे या नहीं। 4X का यूज़ कर रहे हैं बोल्ट अपनी कार पे, टाइगर इनके सामने जरूर है, शॉट देने की कोशिश थी लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। टाइगर पे एक और शॉट देने की कोशिश लेकिन ये भी कनेक्ट नहीं हुआ, देखते हैं यहाँ, और यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ। एक्सकैल फ्रैगर पीछे जा चुके हैं, एक्सकैल की पूरी स्क्वाड आ चुकी है, एक्सकैल के 3 बंदे सामने, और एक्सकैल किंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, शायद से इनके लिए मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन अगर नॉक निकाल, एस गारा इनके बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में, शायद से स्पॉट नहीं किया। चलते हैं एस गारा पे, देखते हैं एस गारा ने एक्सकैल किंग को भी अभी स्पॉट नहीं किया, इनके बिल्कुल सामने जो कंपाउंड है उसकी रूफ टॉप पर बैठे हुए हैं। तो एस गारा दूसरे कंपाउंड में शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वाड से रोटेशन देना ज़रूर स्टार्ट कर दिया। टीम एनजी की स्क्वाड अभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जोन में हमें दिख रही है, टीम डॉन्टलेस भी जोन में आ चुकी है, और एचएमयू की स्क्वाड ने काफ़ी बढ़िया तरीके से नोवो के ब्रिज वाला कंपाउंड होल्ड करके रखा है। चारों बंदे अभी अलाइव है तो जोन की एडवांटेज ज़रूर है इनके, और 4 मैन स्टैंडिंग है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये चिकन डिनर निकालने की सिचुएशन में है। देखते हैं आगे जाके फाइट कैसे निकालेंगे, और जोन तो यार जोन का कुछ बोल नहीं सकते हैं, जोन कहीं भी शिफ्ट ले सकता है, तो इनको भी बीटी दे सकता है जोन। टीम अल्ट्रा की स्क्वाड यहाँ पर हमें रोटेशन देते हुए दिख रही है यासनाया के साइड से, यासनाया के पीछे हुए साइड से। चलते हैं किंग आमिर JR पे, जो कि यासनाया के साइड पर रोटेशन देते हुए हमें दिख रहे हैं। क्या राइस के बंदों की तरफ से टेक डाउन हो सकते हैं, अगर राइस के बंदों को नज़र पड़ी तो उनके लिए मुश्किल ज़रूर हो सकती है, क्योंकि बग्घी में है, 4 बंदे स्प्रे देंगे इन पे तो आराम से टेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वाइड जाते हुए यासनाया के एरिया पे पीछे से रोटेट करते हुए दिख रहे हैं हमें जरूर। यहाँ पर जोन आना स्टार्ट कर दिया, जोन ने क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो एक्सकैल और A6 वॉर्टेक्स की स्क्वाड, इन दोनों स्क्वाड्स को जरूर जल्दी से डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या ये यहाँ पर फाइट लेना चाहते हैं या आराम से जोन में जाके फाइट लेंगे। तो देखते हैं कैसा रहेगा इनका, क्योंकि जोन आ रहा है, जोन ने क्लोजिंग करना स्टार्ट कर लिया, बाद में इनके लिए मुश्किल ज़रूर हो सकती है जोन इन करना,
क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सारी स्क्वाड ने जोन इन कर लिया होगा और इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल रह सकती है जोन इन करना, और बी टी भी लग सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सकैल की स्क्वाड क्या करेगी। एक्सकैल की स्क्वाड के साथ ये इससे पहले भी एक दो बार हो चुका है, ये जोन के बाहर फाइट लेने ज़रूर बैठे थे, लेकिन फिर जोन में आते आते इनको बी टी लग गई है काफ़ी बार। तो देखते हैं क्या उससे सीख के फॉल बैक करेंगे। बिल्कुल शायद से फॉल बैक करने का डिसीजन ले रहे हैं एक्सकैल खान, अपनी स्क्वाड के लिए आगे आगे ज़रूर जा रहे हैं। डर जरूर रहेगा कि सामने एस एक्स वोटेक्स का कोई बंदा किसी ऑफ एंगल पर नहीं हो। यहाँ पर एनजी क्लाउड ने निगा नॉट नॉट ओपी को नॉक दे दिया, और निगा ओपी को यहाँ पर एच एम ई निगा को भी नॉक दे दिया एनजी की स्क्वाड ने। तो एनजी वर्सेस निगा नॉट ओपी को फिनिश भी दे दिया। तो एच एम यू हामिल ओपी पे चलते हैं, निगा ओपी को भी फिनिश दे दिया, निगा नॉट ओपी को भी फिनिश दे दिया, और निगा ओपी को भी फिनिश दे दिया एनजी के बंदे ने। तो एच एम यू की तरफ से अकेले दो बंदे बचे हुए इनके सामने, एनजी की स्क्वाड जरूर है। एलेक्स बॉटेक्स ने डी टी यू कांट को नॉक दे दिया है, तो बॉटेक्स ने टीम डॉन्ट्रेस के बंदे, और यहाँ पर डी टी यू कांट को फिनिश दे दिया है एलेक्स बॉटेक्स ने। तो डी टी का अकेला बंदा यहाँ पर देख चलते हैं हम उस अकेले के अलावा सोल पे, जो टीम डॉन्टलेक्स की तरफ से अकेले बंदे बचे हुए हैं इनके सामने, ट्रॉक्सिन बॉटेक्स का एक बंदा ज़रूर है। देखते कौन से दो बंदे हैं, ट्रॉक्सिन बॉटेक्स भी इनके सामने हैं, इनसेन डीएस भी इनके सामने, और एलेक्स बॉटेक्स भी थोड़ा सा नहीं, एलेक्स बॉटेक्स काफ़ी दूर हैं। तो इनसेन डीएस और ट्रॉक्सिन बॉटेक्स के सामने के एलआर सोल अकेले बंदे टीम डॉन्टलेस की तरफ से हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसी फाइट निकाल पाते हैं के एलआर सोल अपनी स्क्वाड के लिए। तो डॉन्टलेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई दिख रही है हमें, अकेले बंदे बच चुके हैं। यहाँ पर एच एम यू हामिल ने जी ब्लेजी को नॉक दे दिया है। चलते हैं एच एम यू के दो बंदे, जो अकेले दो बंदे बचे हैं, एच एम यू हामिल और एच एम यू डी जे, यहाँ पर पुश करने की सिचुएशन में है नहीं, टू मैन स्क्वाड खेल रहे हैं, डिसएडवांटेज पे हैं, तो पुश नहीं करेंगे, होल्ड करके ही खेलेंगे। तो देखते हैं कितना होल्ड कर पाएंगे एच एम यू के दो बंदे। यहाँ पर जोन आना स्टार्ट कर दिया है, तो एक्सकेल की स्क्वाड ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। वोटेक्स एस की स्क्वाड पे चलते हैं, इनके पास शायद से अभी कोई व्हीकल नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो सकती है इनके लिए, हीलिंग्स थोड़ी सी है, तीन मेड किट है, 10 बैंडेजेस है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर आगे जाके ये फाइट निकाल पाएंगे, कैसे जोन इन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्योंकि इनके पास अभी तक कोई व्हीकल नहीं है। मुश्किल ज़रूर रहेगा जोन करना, क्योंकि काफ़ी दूर है इनसे जोन। यहाँ पर 147 में फैजान पे चलते हैं, जो अपनी स्क्वाड के लिए आगे से खेल रहे हैं। आइजूस अपने फ्लेक्स ट्रॉक्सिन को नॉक दे दिया, तो यहाँ फिनिश भी दे दिया है डी एम ई की स्क्वाड की फाइट, यहाँ पर देखने को मिल रही है। डी एम ई बेन ने नॉक दे दिया, चलते हैं डी एम ई की स्क्वाड पे, डी एम ई ब्रैड पे चलते हैं, जो गाड़ी में यहाँ पर अभी रोटेट करते हुए हमें जरूर दिखे। फ्लेक्स ट्रॉक्सिन फिर से शायद से रोटेशन में पकड़े गए हैं, रोटेशन में नॉक फिनिश दे दिया इनके सामने से, स्क्वाड रोटेट जरूर करते हुए हमें दिख रही है। चलते हैं आइजूस ओपी पे, जो यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं, रिवाइव देने के लिए ज़रूर आएंगे इनके बंदे, और रिवाइव भी दे सकते हैं। रोटेशन में काफ़ी ज़्यादा हमें नॉक फिनिश देखने को मिले हैं इस पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, काफ़ी ज़्यादा नॉक फिनिशेस देखने को मिले हैं हमें। तो रोटेशंस में थोड़ी सी बीटी ज़रूर लग रही है, हर किसी स्क्वाड को एक एक बंदा फिनिश होते हुए हमें ज़रूर दिख रहा है। तो यहाँ पर जोन के बाहर रिवाइव दे रहे हैं आईफ्लेक्स 69 के बंदे आइजूस ओपी को। यहाँ पर अभी भी केएलआर सोल अकेले बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से बचे हैं, पूरा घेरा कर दिया बॉटेक्स के बंदू ने इन पे। तो देखते हैं कैसे फाइट निकाल पाएंगे। डीएमई ब्रैड ने आईजीसी लिंक्स को फिर से नॉक दे दिया है, तो चलते हैं डीएमई ब्रैड पे। तो डीएमई वर्सेस आईफ्लेक्स 69 की फाइट हमें देखने को मिल सकती है, या तो ये जोन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जोन के बाहर है डीएमई ब्रैड, इनके सामने आईफ्लेक्स 69 के दो बंदे हैं। स्कोपिन करके आईजीसी, अच्छा स्पॉट नहीं हो रहे, मेरे को ये रेंडर नहीं हो रहे थे पेड़, यहाँ पर इनके सामने रिवाइव दे रहे हैं आईजूस ओपी अपने बंदे को, पीछे से आईजीसी जे के आर गॉड भी काफ़ी लो है। केएलआर सोल ने फेकर बॉटेक्स को नॉक जरूर दिया है, लेकिन डीएस डीएमई ब्रैड ने को नॉक दे दिया आईजीसी आईजूस ओपी को, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल फिनिश दे दिया आईजूस ओपी को। यहाँ पर प्ले जोन से आईजीसी जे के आर गॉड नॉक हो चुके हैं, आईजीसी लिंक्स और इसराइल अकेले बंदे, अकेले दो बंदे अपनी स्क्वाड से बचे हुए। तो चलते हैं आईजीसी लिंक्स पे, डीएमई ब्रैड इनके सामने जरूर है, पीछे से डीएमई के और बंदे जरूर इन पे एंगल बनाने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। यहाँ पर डीएमई बेन पीछे से आ रहे हैं, इसराइल इनके राइट पे जरूर है। देखते हैं यहाँ पर ये फाइट कैसे निकाल पाएगी डीएमई की स्क्वाड। डीएमई रासिक आगे जा रहे हैं गाड़ी में, बहुत एडवांस जा रहे हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से, इनके सामने आईजीसी लिंक्स जरूर है, पीछे से काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक डाउन कर पाएंगे, क्योंकि आईजीसी लिंक्स को डीएमई रासिक के लोकेशन नहीं पता है, गलत साइड से देख रहे थे, गलत साइड से स्कोप इन किया, और यहाँ पर डीएमई रासिक को टेक डाउन कर दिया आईजीसी लिंक्स ने, गलत साइड पे स्कोप कर रहे थे, थोड़ी सी इंटेल की कमी जरूर रही, नहीं पता थी बंदे कहाँ पर है, और इनको कॉस देना पड़ा इसका। डीएमई बेन यहाँ पर रिवाइव दे, नहीं पहले आईजीसी लिंक्स को टेक डाउन करने जरूर जा रहे हैं, फिनिश भी करेंगे, नहीं ऐसे ही छोड़ दिया, पहले डीएमई रासिक को रिवाइव देने की कोशिश जरूर रहेगी। चलते हैं आईजीसी जे के आर गॉड, जो रिवाइव हो चुके हैं, प्लेस उनसे नॉक हो गए थे, इसराइल की एचपी काफ़ी लो है, फॉल बैक करने का डिसीजन लिया है आईएफएक्स 69 के दो बंदों ने।
देखते हैं किस तरह से अब ये जोन करेंगे। और जोन की बात करें तो जोन ने शिफ्ट ले लिया है राइट हैंड साइड में, मिल्टा मिल्टा की तरफ, मिल्टा मिल्टा पावर शेल्टर प्रिजन और नोवर फ्नाइट से तो जोन नहीं बनेगा, शिफ्ट जरूर लेगा मिल्टा पावर की तरफ। बीएमई बेन आई जिससे लिंक्स को फिनिश कर दे, तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्क्वाड्स हमें देखने को जरूर मिल रही है। वॉर्टेक्स की स्क्वाड मिल्टा में आ चुकी है, यहाँ पर इनके सामने राइज की स्क्वाड देखने राइज की स्क्वाड देखने को मिल रही है और एनजी की स्क्वाड भी यहीं पर है। तो चलते हैं राइज मुनीबे पे जो स्क्वाड हाउस में बैठे हुए हैं, इनके नीचे वॉर्टेक्स की स्क्वाड आ चुकी है, देखते हैं कैसी फाइट निकाल पाएंगे राइज। और यहाँ पर राइज की स्क्वाड और वॉर्टेक्स की स्क्वाड एक बार मैप पर नज़र मारते हैं, तो कार्टून की स्क्वाड अभी जोन में नहीं है, डीएमई की स्क्वाड अभी जोन में नहीं है। टीम फायर के सामने से रोटेट करते हुए आईफ्लेक्स 69 के दो बंदे जा रहे हैं जो कि स्कूल में है अभी। एक्सकैल की स्क्वाड अभी भी जोन में नहीं आई है और यहाँ पर एस एक्स वॉर्टेक्स की स्क्वाड भी अभी जोन में नहीं है, इनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। सामने बगी जरूर दिख रही है, राइस फ्रीक ने नॉक दे दिया एलेक्स वॉर्टेक्स को, लेकिन प्रॉक्सिन वॉर्टेक्स का बहुत ही बढ़िया ट्रेड नॉक यहाँ पर एलेक्स वॉर्टेक्स की तरफ से। तो यहाँ पर एलेक्स वॉर्टेक्स नॉक पड़े हुए हैं, इनके बंदे ने ट्रेड नॉक जरूर दिया था, तो देखते हैं कैसी फाइट निकाल पाएंगे। दो बंदे नॉक नहीं, एक ही बंदा नॉक पड़ा हुआ है, लेकिन एलेक्स वॉर्टेक्स थोड़ा सा आगे नॉक पड़े हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से। चलते हैं राइस की स्क्वाड पर, राइस मूवी पे फेकर वॉर्टेक्स को, और यहाँ पर फेकर वॉर्टेक्स ने बहुत ही बढ़िया नॉक राइस ताबिक को दे दिया, तो राइस ताबिक यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में काफ़ी बढ़िया तरीके से रिवाइव जरूर दे पाएंगे एलेक्स वॉर्टेक्स को यहाँ पर वॉर्टेक्स की स्क्वाड, तो रिवाइव दे देना भी चाहिए, स्मोक जरूर किए हैं फेकर वॉर्टेक्स काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी स्क्वाड को कवर जरूर दे रहे हैं वॉच टावर से। इनसे डीएस ने बीस्ट को भी नॉक कर दिया और राइस फ्री एलेक्स वॉर्टेक्स फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर राइस फ्री की क्विल मिल चुकी है, बीस्ट भी नॉक पड़े हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया तरीके से नॉक दिया इनसे डीएस ने बीस्ट को, बीस्ट के पास भी ऑलरेडी एक किल आ चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पर रिवाइव जरूर मिल जाएगा, नहीं रहेगा। राइस फ्रीक अभी भी शॉट ले रहे हैं, फेकर वॉर्टेक्स के पास काफ़ी बढ़िया एंगल जरूर है राइस की स्क्वाड पे, लेकिन थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल भी हो सकता है, अगर नॉक हो तो रिवाइव देने का कोई चांस नहीं बनता। और पीछे से थोड़ा और पीछे जा रहे हैं, पीछे का एंगल जरूर बनाने की कोशिश रहेगी, देखते हैं यहाँ पर ये फ्लैंक क्या फेकर वॉर्टेक्स के लिए कामयाब रहेगा या नहीं। फेकर वॉर्टेक्स पूरा घूम के आ रहे हैं राइज की स्क्वाड की तरफ, देखते हैं किसी को टेक डाउन कर पाएंगे या खुद टेक डाउन हो जाएंगे। मैप पर नज़र मारते हैं तो यहाँ पर A6 वॉर्टेक्स की स्क्वाड ने मूव करना स्टार्ट कर दिया और फेकर वॉर्टेक्स को शॉट जरूर दिए यहाँ पर। FTR स्मोकर ने एचएम हामिल को नॉक कर दिया है, BTB दिखाओ, मैं BTB भी दिखाऊंगा। HMU हामिल OP यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं, HMU DJOP रिवाइव जरूर दे रहे हैं, पुश नहीं आ रहा है इन पे क्योंकि इनके सामने NG की स्क्वाड है। BTB पे चलते हैं, देखते हैं BTB की स्क्वाड कहाँ पर है। BTB डिफ्यूज यहाँ पर, ये अभी भी मिलिट्री बेस नहीं, ये कहाँ पर पहुँचे, यहाँ पहुँच चुके हैं मिल्टा पावर के एरिया में पहुँच चुके हैं, कंपाउंड भी होल्ड कर लिया अपने लिए। BTB डिफ्यूज कर रहे हैं, BTB बग्स बनी, BTB क्रिमसन, BTB इन्फर्नो, काफ़ी बढ़िया तरीके से जोन में जरूर है BTB की स्क्वाड, देखते हैं आगे जाके फाइट कैसे निकाल पाएगी। चलते हैं 147MS की स्क्वाड पर, 147MS की स्क्वाड भी बिल्कुल BTB के सामने ही है, कंपाउंड में जरूर आ चुके हैं, स्क्वाड हाउस है इनके पास, देखते हैं ये भी अपना स्क्वाड हाउस कैसे होल्ड कर पाएंगे। काफ़ी बढ़िया तरीके से जोन में जरूर आए हैं, अब सिर्फ होल्ड करने की बात है, फाइट्स लेने की बात आती है यहाँ पर। यहाँ पर वुल्फ की स्क्वाड हमें पानी में से रोटेट करते हुए दिख रही है, वुल्फ पुरकान यहाँ पर पानी में से रोटेट करते हुए हमें जरूर दिख रहे हैं, इनके ऊपर एंट्री की स्क्वाड एग्जॉन की स्क्वाड जरूर होगी। वुल्फ के बाकी बंदे ऑलरेडी मिल्टा पावर पहुंच चुके हैं, टीम फायर एक्सजी ने आई वोल्ट्रॉन को नॉक दे दिए, तो यहाँ पर कार्टून और टीम फायर की फाइट जरूर देखने को मिल रही है। BTB क्रिम्सन ने गॉरलॉक के बंदे को नॉक जरूर दिया, लेकिन फिनिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर है उनसे, आई पोपाई पीछे जा रहे हैं। बॉब द बिल्डर ने टीम फायर बीस्ट को नॉक दे दिया, तो चलते हैं बॉब द बिल्डर पे, कंफर्म करने की कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन टीम फायर इन्फिनिटी आ चुके हैं अपने कवर के लिए। BTB बग्स मनी ने OG हनान को भी नॉक दे दिया, तो दूर से BTB की फाइट काफी बढ़िया तरीके से फाइट्स निकाल रही है, तो चलते हैं बॉब द बिल्डर की तरफ, देखते हैं थोड़ा सा एडवांस जरूर खेल रहे हैं टीम फायर इन्फिनिटी को स्पॉट जरूर किया, लेकिन टेक डाउन नहीं कर पाए बॉब द बिल्डर, बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉब द बिल्डर ने नॉक कर दिया इन्फिनिटी को, जो कि टीम फायर की तरफ से खेल रहे हैं। टीम फायर XD और टीम फायर किंग दूसरे वॉश ओवर में थोड़ा सा पीछे अपनी स्क्वाड की तरफ से, देखते हैं किसको बॉब द बिल्डर की तरफ से काफी बढ़िया नॉक टीम फायर किंग को दे दिया। वुल्फ सिग्मा ने अल्ट्रा बेन को भी नॉक दे दिया, अकेले बंदे बचे हुए टीम फायर की तरफ से, काफी बढ़िया खेले हैं बॉब द बिल्डर। चलते हैं टीम फायर किंग नॉक पड़े हुए हैं, टीम फायर XD यहाँ पर पीछे से जंप करें, रिवाइव नहीं दिया आई वोटर, आगे पुश करने को आए जरूर है, चलते हैं आई वोटर यहाँ पर, लेकिन यहाँ टीम फायर यहाँ पर फिनिश कर दिया है टीम फायर की स्क्वाड को। बॉब द बिल्डर के पास 3 किल्स आ चुके हैं, आई पपाई के पास एक, काफ़ी बढ़िया खेले बॉब द बिल्डर, कार्टून की तरफ से काफ़ी बढ़िया तरीके से एडवांस पुश किया। यहाँ से वॉर्टेक्स एक्स एस की स्क्वाड भी हमें नज़दीक आते हुए दिख रही है कार्टून के, लेकिन अभी भी जोन के बाहर है, तो यहाँ पर आई वोटर को स्पॉट कर पाएंगे। वॉर्टेक्स अजार ने स्पॉट जरूर किया, लेकिन जोन में आके शॉट्स लेंगे, अल्ट्रा भी दिखाऊंगा एक सेन। वॉर्टेक्स अजार की HP काफ़ी कम है, शॉट्स नहीं लिए अभी भी, पहले हील कर रहे हैं, लेट ना हो जाए फिर। और यहाँ पर आई वोटर
भी कर पाए हैं, एक ही शॉट कनेक्ट पर कर पाए और उतना लो भी नहीं किया थोड़ी सी। अब देखते हैं यहाँ पर वॉर्टेक्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा जोन इन करना। यहाँ पर एस गारा और एस से आ चुके हैं, तो यहाँ पर वॉर्टेक्स हजार ने नॉक कर दिया आयुष एन ओपी को बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब दो साइड से वॉर्टेक्स एक और यहाँ पर बॉब द बिल्डर को भी नॉक कर दिया, दो ही बंदे बचे हुए हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। पीछे से एस फेलिक्स और एस गारा जरूर आ रहे हैं, इनको शायद से यहाँ पर नहीं पता है इनकी लोकेशन जरूर है, लेकिन वो नहीं कर पाए। और यहाँ पर फिनिश करते हुए इस फेलिक्स अपनी किल्स आई गोपा से बिल्कुल सामने, लेकिन इस गारा को टेक डाउन कर दिया आई पोपा ने। पीछे से एक वॉर्टेक्स हेल्प ने काफी बढ़िया कवर इस गारा को दे दिया, आई पोपाई को भी नॉक कर दिया है। आई वोल्ट्रॉन अकेले बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से बचे हुए हैं, काफी बढ़िया खेला ए सिक्स वॉर्टेक्स ने, दो एंगल काफी बढ़िया तरीके से होल्ड किए थे। कार्टून की स्क्वाड नेड आया, बहुत ही बढ़िया नेड किया वॉर्टेक्स हेल्प फॉर यूनिवर्स, फिनिश कर दिया कार्टून की स्क्वाड को, और कार्टून की स्क्वाड थर्ड पार्टी में फिनिश हो चुकी है वॉर्टेक्स एक्स एस की तरफ से। वहाँ से वुल्फ सीनियर नॉक दे रहे हैं किंग आमिर जे आर को, फिनिश भी कर दिया। तो चलते हैं किंग आमिर जे आर पे, किंग आमिर जे आर फिनिश हो चुके हैं। अल्ट्रा ब्रार और कॉन्स्टेंटिन अकेले दो बंदे बचे हुए हैं टीम अल्ट्रा की तरफ से, जो अभी हमें डेल्टा पावर के एरिया में जरूर दिख रहे हैं रोटेट करते हुए। बगी में एक और बगी ले रहे हैं, यहाँ पर है टीम अल्ट्रा, इनके सिर्फ दो बंदे बचे हुए हैं, दो बंदे फिनिश हो चुके हैं, जीरो किल्स हैं इनके पास। चलते हैं 147 एमएस की स्क्वाड पे, थोड़ा सा जोन ने शिफ्ट जरूर लिया है प्रिजन और शेल्टर की तरफ, तो देखते हैं कैसे कौन कौन सी स्क्वाड मूव करने का डिसीजन लेगी और कौन सी स्क्वाड अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करेगी। राइज मुरीबे ने एनजी ब्लेजी को नॉक दे दिया है, मागा यासीन आज स्ट्रीम की क्वालिटी टटी है, स्ट्रीम की क्वालिटी 720 पिक्सल्स है यार, इससे ज़्यादा क्या रखूँगा मैं पॉन के जैसी, स्ट्रीम की क्वालिटी 720 रखी है मैं, ये पिक्सल ब्रेक हो जाते हैं कभी कभी क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा ही है, फिर 480 कम हो जाता है। एच एम ई डी जे ओ पी ने वॉरलॉक को नॉक दे दिया, तो एच एम ई के अभी भी वही दो बंदे बचे हुए हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से होल्ड करके खेल रहे हैं अच्छी क्वालिटी। थैंक यू पीर नुमान यार भाई, मेरा वॉरलॉक की स्क्वाड पे स्कोपिंग करने की कोशिश रहेगी एच एम ई डी जे ओ पी की तरफ से। दो बंदे हैं थोड़ी सी डिसएडवांटेज पे, जोन भी जा रहा है इनको क्योंकि जोन के एज में, इसके बाद का जोन इनको फेवर नहीं करने वाला है। बी टी बी की स्क्वाड हमें फिर से जोन में दिख रही है, बी टी बी की पूरी स्क्वाड जोन में आ चुकी है। एन जी ब्लेजी ने बीच को नॉक कर दिया, एन जी की स्क्वाड राइज की स्क्वाड हमें देखने को मिल रही है। एच एम ई हामिल ओपी ने फिर से वॉरलॉक के एक बंदे को नॉक जरूर किया है परसों से, ठीक थी वही ना पिक्सल सी ब्रेक हो रहे हैं। बी टी बी बग्समैन ने शॉट जरूर लिया राइज ताबिक पे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। पीरमांचा ओपी ना ना, ये नहीं वो है, ये दूसरा हीलियोस, कोड हीलियोस। तो यहाँ पर राइस ताबिक ने शॉट जरूर लिया था लेकिन फिनिश नहीं हुआ। मवी ये सच है कि तुझे वहाँ पे, चलते हैं वॉरलॉक की स्क्वाड पे, इनके वॉरलॉक डीएमएक्स को रिवाइव जरूर मिल चुका है और इन्हें हील भी किया। बीटीबी बग्समैन ने राइस फ्रीक को नॉक जरूर दिया है, लेकिन रश नहीं करेंगे क्योंकि बीटीबी काफ़ी बढ़िया जोन में है, जोन के सेंटर में है और आराम से होल्ड करने का डिसीजन जरूर रहेगा इनका। वॉर्टेक्स एक्स एस के पास हमें इजराइल के पास, और यहाँ पर जोन ने शिफ्ट ले लिया है लेफ्ट साइड से, एक और हार्ड शिफ्ट जरूर लिया। बी टी पी की स्क्वाड जोन में दिख रही है, एनजी की स्क्वाड जोन में, राइज की स्क्वाड जोन में और टीम अल्ट्रा की स्क्वाड भी जोन में। बी टी पी इन्फर्नो अभी अपनी स्क्वाड से काफ़ी दूर है, शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। नहीं डिस्कनेक्ट नहीं है, अभी शैक में बैठे हुए, पता नहीं क्यों अपनी स्क्वाड से इतना स्प्लिट खेल रहे हैं। वॉर्टेक्स की स्क्वाड वॉरलॉक और यहाँ पर 147 एमएस की स्क्वाड को जोन में आना पड़ेगा और अपने रोटेशन देना भी स्टार्ट कर लिया, बहुत बढ़िया डिसीजन रह सकता है 147 एमएस की तरफ से अर्ली रोटेट करना क्योंकि इन पे काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड्स देखने को मिल सकती है इनके जोन में, जैसे बी टी बी देंगे इनके सामने, तो वुल्फ की स्क्वाड भी जाते हुए दिख रही है। वॉर्टेक्स एक्स एज की स्क्वाड की बात करें तो इनके पीछे आई फ्लेक्स 16 के दो बंदे जरूर हैं, देखते हैं क्या बी टी दे पाएंगे। आई जी सी के आर गॉड शेल्टर में है, यहाँ पर शायद स्क्वाड कर लिया है इन्होंने। 14 वॉचिंग ओनली 6 था गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच पीर नुमान। एस गारा वॉर्टेक्स हेल्प फॉर यू, एस फेलिक्स और वॉर्टेक्स अजार खेल रहे हैं वॉर्टेक्स एक्स एस की तरफ से, काफ़ी बढ़िया तरीके से जोन इन किया, लेट जोन इन करना पड़ा लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से किया और ऑलरेडी 4 किल्स आ चुकी है इनके पास। जोन में जाना जरूर है इनको, तो जोन में जाने का डिसीजन रहेगा बाद में फाइट लेंगे। इनके पास गाड़ियाँ भी आ चुकी है, 147 एमएस की स्क्वाड ने जोन कर लिया है। एक्सोन की स्क्वाड पे चलते हैं तो एक्सोन फ्लेक्स के सामने बंदे जरूर है, एक्सकैल की पूरी स्क्वाड है इनके सामने, स्पॉट कर लिया है राइट साइड से 147 एमएस की स्क्वाड भी है मेरे कमेंट पर, मैं भी पढ़ूंगा। एक्सकैल मूसा को नॉक दे दिया है, ओजी हमा से वहाँ से 147 एमएस थर्ड पार्टी करते हुए जरूर दिख रही है, थोड़े से शॉट जरूर लिए एक्सकैल के बंदे पे, एक्सोन फ्लेक्स यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। एक्सकैल की पूरी स्क्वाड काफ़ी बढ़िया खेली, एक्सोन की स्क्वाड 147 एमएस की स्क्वाड जरूर थोड़ी सी बीटी देती हुई दिखी हमें, और यहाँ पर नॉक हो चुके हैं यहाँ पर वॉरलॉक की स्क्वाड ने 147 एमएस जूस को नॉक किया है। चलते हैं 147 एमएस की स्क्वाड पे, 147 एमएस जूस यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं, फिनिश भी हो सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल वहाँ पर रिवाइव देने नहीं आएंगे इनको। एक्सोन फ्लेक्स ने, एक्सोन फ्लेक्स को भी वॉरलॉक डीएमएक्स ने नॉक कर दिया, 147 एमएस जूस फिनिश हो चुके हैं। वॉरलॉक की स्क्वाड ने काफ़ी बढ़िया तरीके से थर्ड पार्टी करते हुए दिखी हमें 147 एमएस की स्क्वाड पे,
यहाँ पर 14 टीम्स अभी भी अलाइव है, 45 पीपल अलाइव है हमारे पास, काफ़ी बढ़िया लोग, काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग अभी भी अलाइव है इस रूम में। एस की स्क्वाड अभी भी काफ़ी जोन के बाहर हमें दिख रही है, रोटेट कर लेना चाहिए था अर्ली क्योंकि अब इनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जूही है प्रिजन के एरिया के आगे आएंगे 147 में, सो वॉरलॉक की स्क्वाड हमें जरूर दिखेगी। वॉरलॉक निंजा काफ़ी क्लोज आ चुके हैं 147 में, वॉरलॉक निंजा ने और यहाँ पर फिनिश भी दे दिया 147 में, फैजान बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉरलॉक स्नीक्स को नॉक दिया था 147 एमएस फैजान, लेकिन वॉरलॉक किंग ने फिनिश दे दिया 147 एमएस फैजान को। 147 एमएस की स्क्वाड यहां पर फिनिश होते हुए दिखी हमें वॉरलॉक की तरफ से, और यहां पर एस की स्क्वाड आ चुकी है जोन में जिनके सामने वॉरलॉक की स्क्वाड है, वुल्फ सिग्मा को नॉक फिनिश दे दिया बीटीबी इन्फर्नो ने। चलते हैं बीटीबी की स्क्वाड पे, बीटीबी के पास एक किल आ चुके हैं, बीटीबी इन्फर्नो अभी भी शैक में ही होल्ड करके हुए हैं अपनी स्क्वाड के लिए और डांस कर रहे हैं बीटीबी इन्फर्नो। बीटीबी डिफ्यूज़ पे चलते हैं, बीटीबी डिफ्यूज़ यहाँ जोन ने एक और शिफ्ट ले लिया है मिल्टा की तरफ, काफ़ी बढ़िया तरीके से राइज की स्क्वाड अभी जोन में, एनजी की स्क्वाड और डीएमई की स्क्वाड में जोन में दिख रही है। एस फूफू ने नॉक जरूर किया है इसराइल को, बीटीबी इन्फर्नो को नॉक कर दिया डीसी क्रेमिंटर ने और फिनिश भी हो जाएंगे। तो एस फूफू के सामने इसराइल जो आईफ्लेक्स 69 के दो बंदे खेल रहे थे, इसराइल नॉक पड़े हुए रिवाइव देने के लिए नहीं, क्योंकि इनके बंदे शायद से काफ़ी दूर इनसे चलते हैं इसराइल के बंदे पे, देखते हैं इनका दूसरा बंदा कहाँ पर है। कॉन्स्टेंटीन रिवाइव देने के लिए आज जाने की कोशिश जरूर रहेगी इसराइल पे रिवाइव देने के लिए। बीटीबी डिफ्यूज ने ओजी हमास को नॉक किया है, चलते हैं बीटीबी की स्क्वाड पे, बीटीबी ने ओजी हमास को जरूर नॉक ने टेक डाउन कर लिया। ओजी हनान को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोजा का यूज किया यहाँ पर बीटीबी डिफ्यूज ने, काफी लो जरूर हुए लेकिन नॉक नहीं हुए, इसराइल को नॉक कर दिया एस फूफू ने एक और बार, के अकेले बंदे बचे हैं। ओजी हनान को फिनिश कर दिया बीटीबी बग्स बनी ने, काफी बढ़िया तरीके से बीटीबी की स्क्वाड यहां पर खेलते हुए दिख रही है। ट्रॉक्सिन बॉटेक्स को वुल्फ फुरकान ने जरूर नॉक किया, इनके सामने एक्जॉन का एक बंदा एक्जॉन फ्लेक्स ओपी, क्योंकि ओजी हमास नॉक पड़े हुए रिवाइव देने की कोशिश जरूर रहेगी। ओजी हमास रिवाइव भी हो चुके हैं लेकिन टेक डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर एक्जॉन की स्क्वाड को फिनिश कर दिया बीटीबी की स्क्वाड ने, काफी बढ़िया खेली बीटीबी की स्क्वाड, ऑलरेडी काफी किल्स आ चुके हैं, 4 किल्स आ चुके हैं बीटीबी की स्क्वाड के पास। फेकर बॉटेक्स यहाँ पर जरूर नॉक देते हुए हमें दिख रहे हैं वुल्फ किस बंदे को, डीसी क्रेमिंटन ने इनसे डीएस को नॉक जरूर दिया है। तो ट्रॉक्सिन बॉटेक्स भी नॉक हो चुके हैं और फिनिश भी हो चुके हैं, फेकर बॉटेक्स अकेले बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से बचे हुए, इनके सामने वुल्फ की स्क्वाड है, देखते हैं फेकर बॉटेक्स यहाँ पर क्या करते हैं अपनी स्क्वाड के लिए। डीसी क्रेमिंटन पत्थर का कवर लेके जरूर है, शॉट जरूर ले सकते हैं, शॉट भी ले रही लेकिन नॉक नहीं कर पाए, लो जरूर किया लेकिन नॉक नहीं कर पाए। राइज ताबिक ने डीएमई बेन को नॉक कर दिया, चलते हैं डीएमई की स्क्वाड पे, डीएमई बेन नॉक पड़े हुए हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से, रिवाइव देने के लिए जरूर आए हैं बंदे। डीएमई ब्रैड इजी रिवाइव दे देंगे डीएमई बेन को, काफी सारी स्क्वाड्स अभी भी है हमारे पास लेकिन जोन में सिर्फ राइज की स्क्वाड दिख रही है, एनजी की स्क्वाड और डीएमई के स्क्वाड हमें राइज में दिखती हुई दिख रही है, जोन में दिख रही है। एचएमयू हामिल ओपी पे नेट जरूर आए इनके सामने, एक स्क्वाड दिख रही है एस आर से आगे सारे मिली, बग्स बनी को वॉरलॉक टीम ने जरूर नॉक कर दिया। ये हामिल ओपी ने कार 98 का शॉट जरूर ट्राई किया था, एस नॉक हो चुके हैं, लाइक बटन। एचएमयू हामिल ओपी नेट से नॉक हो चुके हैं, एस फूफू का बहुत ही बढ़िया नेट, चलते हैं एस फ्लोकी पे, एस फ्लोकी को रिवाइव जरूर दे रहे हैं एस आर्सनिस्ट। एस अदनान वाई टू को एनजी ब्लेजी ने नॉक कर दिया, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी देखने को मिल रही है एनजी की तरफ से एस की स्क्वाड पे। कॉन्स्टेंटिन ने वॉरलॉक निंजा को नॉक कर दिया आईजी, और यहाँ पर वॉटेक्स हेल्प फॉर यू ने फिनिश कर दिया आईजी सी जे के आर गॉड को, तो आईफ्लेक्स 69 की स्क्वाड भी फिनिश होते हुए दिख रही है। एस फ्लोकी प्ले जोन से नॉक हो चुके हैं बीटी, यहाँ पर हामिल यहाँ पर काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर एचएमयू हामिल ओपी फिर से काफ़ी बढ़िया खेलते हुए अपनी स्क्वाड की तरफ से फिनिश हो चुकी है। एस की पूरी स्क्वाड एक एक खेल आ चुकी है, एचएमयू के दो बंदों के पास काफ़ी बढ़िया खेले हैं, एचएमयू के दो बंदे अभी अपनी स्क्वाड की तरफ से दो ही बंदे अर्ली स्टेज में अलाइव थे, काफ़ी आगे तक लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर एनजी की स्क्वाड भी भाई मिल रही है, एनजी की स्क्वाड शॉट जरूर ले रही है, जोन और छोटा हुआ है और यहाँ पर वॉटेक्स हेल्प पूरी गिर के नॉक हो चुके हैं, जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता हुआ दिख रहा है हमें। राइज की स्क्वाड के लिए ऐसी स्क्वाड है जो जोन में, इनके लिए अब बस सिर्फ फाइट्स निकालनी और किल्स निकालनी है। फेकर वॉटेक्स ने डीसिंक रेमिंगटन होती है, तो फेकर की तरफ फेकर वॉटेक्स अकेले बंदे जो अपनी स्क्वाड से, इनके सामने वुल्फ फुरकान जरूर है, 1v1 की सिचुएशन रहेगी फुल फुर, और यहाँ पर नॉक बहुत लो किया और यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया मॉली की थी फेकर वॉटेक्स ने और फिनिश कर दिया है वुल्फ की स्क्वाड को, काफ़ी बढ़िया खेले हैं फेकर वॉटेक्स, 3 किल्स आ चुके हैं ऑलरेडी इनके पास और टॉप 9 में पहुंचा दिए हैं अपनी स्क्वाड को जो अकेले बंदे वॉटेक्स की तरफ से खेल रहे हैं। अल्ट्रा की स्क्वाड पे चलते हैं, तो अल्ट्रा अब्रार नॉक पड़े हुए, कॉन्स्टेंटीन अकेले बंदे अल्ट्रा की स्क्वाड की तरफ से बचे हैं, अल्ट्रा अब्रार को रिवाइव जरूर दे पाएंगे लेकिन देखते हैं कैसी सिचुएशन रहेगी इनके लिए आगे, जोन 9 आना है। वॉटेक्स हेल्प फॉर यू यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, ब्लीड आउट होकर फिनिश हो गए हैं। डीएमई की स्क्वाड पे चलते हैं, तो डीएमई के 3 बंदे अलाइव है, वॉच टावर में जरूर है, जोन के बिल्कुल सामने, तो आराम से देखते हैं। एनजी ब्लेजी ने एक्चुअली हामिल ओपी को नॉक कर दिया है,
एनजी की स्क्वाड भी काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हुई हमें दिख रही है। वॉर्टेक्स अजार ने डीएमई ब्रैड को जरूर नॉक किया, तो चलते हैं वॉर्टेक्स अजार पे। काफ़ी लो हो चुके हैं इनके सामने, डीएमई ब्रैड नॉक पड़े हुए हैं, डीएमई रात से जगह देने जरूर जा रहे हैं, डीएमई ब्रैड जीते हैं वॉच टावर के। तो देखते हैं एसेक्स वॉर्टेक्स यहाँ पर ये वाला कुछ कैसे कर पाएगी। बीस ने वॉरलॉक किंग को फिनिश कर दिया है, राइस की स्क्वाड भी काफ़ी बढ़िया खेली कोशिश कर रहे थे लेकिन नॉक कर दिया। बहुत ही बढ़िया स्प्रे वॉर्टेक्स अजार की तरफ से, लेकिन हम वॉर्टेक्स अजार पे शॉट्स ले रहे हैं, डीएमई ब्रैड को नॉक कर दिया और यहाँ पर डीएमई रात से नॉक हो चुके हैं, डीएमई ब्रैड शायद फिनिश हो चुके हैं, प्लेजन साइड में हामिल ओपी फिनिश हो चुके हैं और यहाँ पर राज कोशिश थी कि नॉक हो चुके हैं, फिनिश भी हो जाएंगे शायद डीएमई की बंदे की तरफ से लेकिन फिनिश नहीं किया। डीएमई वेन जरूर ले रहे हैं, टेक डाउन कर दिया है, बहुत ही बढ़िया डीएमई बेन की तरफ से एस गारा को टेक डाउन किया, काफी लो हो चुके हैं, तीन किल्स आ चुके हैं डीएमई बेन की तरफ से, अकेले बंदे डीएमई की स्क्वाड की तरफ से बचे हुए हैं। पांच टीम हमारे पास है, जोन हमें काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ होते हुए दिख रहा है। राइज के चारों बंदे अभी भी जिंदा हैं, बीटीबी डिफ्यूज अकेले बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से, बॉटेक्स के बंदे अकेले हैं और यहाँ पर एचएमयू डीजे ने बॉट फेकर बॉटेक्स को फिनिश कर दिया है। चार टीम्स हमारे पास अलाइव है अभी भी, एचएमयू के एक बंदे, डीएमई का एक बंदा, बीटीबी का एक बंदा और राइज के चारों बंदे अभी अलाइव है। काफ़ी ओपी खेला है राइज की स्क्वाड ने, छः किल्स आ चुकी है राइज की पूरी स्क्वाड के पास। तो देखते हैं यहाँ पर 4v1v1v1 का सिचुएशन है, देखते हैं कौन सी स्क्वाड कैसा खेलेंगे। यहाँ पर जोन की तरफ नज़र मारते हैं तो राइज की स्क्वाड काफ़ी जोन के नज़दीक है, एचएमयू डीजे ओपी भी जोन इन कर पाएंगे लेकिन बीटीबी डिफ्यूज के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी जोन इन करना क्योंकि काफ़ी दूर है अभी जोन से और उनके सामने राइज की पूरी स्क्वाड है। तो देखते हैं बीटीबी डिफ्यूज यहाँ पर कैसे तरीके से जोन इन कर पाएंगे और क्या अपनी स्क्वाड को टॉप 3 में लेके आएंगी यहाँ पर बीटीबी डिफ्यूज। राइज की पूरी स्क्वाड है आगे, डी सिंह बहुत है रूम को, पहले डिले हो जाता ना रूम में तो इसलिए डीसिंग भी मिलता है। बीस्ट ने डीएमई बेन को स्पॉट जरूर किया होगा, शॉट लेने की कोशिश रहेगी, स्पॉट नहीं हो पाए हैं अभी, शायद गलत साइड से स्कोप इन खोलते हुए दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर किसी ने मूव करना स्टार्ट जरूर किया, राइज ताबिक ने गाड़ी निकाल के मूव करना स्टार्ट, कवर बना लिया अपने लिए, कवर बना लिया है गाड़ी से राइज ताबिक ने। तो 6 सेकंड में जोन क्लोज इन करेगा बीटीबी डिफ्यूज को, जोन इन करने की कोशिश करनी पड़ेगी, डीएमई बेन को भी जोन इन करना पड़ेगा, एचएमयू डीजे ओपी काफी क्लोज है जोन के तो आराम से जोन इन कर पाएंगे। बीटीबी डिफ्यूज ने नॉक कर दिया है बीस्ट को, काफी बढ़िया तरीके से बीटीबी डिफ्यूज ने नॉक किया है लेकिन अब इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल रह सकती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं, प्ले जोन से शायद से फिनिश हो जाएंगे, शॉट जरूर ले किल ले लेकिन नहीं, प्ले जोन से फिनिश हो चुके हैं, किल नहीं ले पाए राइज के बंदे। तो यहाँ पर 4v1v1 की सिचुएशन, राइज मुनीबे और बीस्ट नॉक पड़े हुए, बीस्ट फिनिश हो जाएंगे, बीस्ट फिनिश हो चुके हैं बीटीबी डिफ्यूज की तरफ से। तो अब अभी भी राइज मुनीबे को रिवाइव मिल जाएगा, 1v1v3 की सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। एचएमयू डीजे ओपी पे चलते हैं जो अभी जोन में थे लेकिन एक मिनट में इनको भी जोन में आना पड़ेगा। डीएमई बेन अभी भी पत्थर के कवर पे आराम से बैठे हुए हैं, स्मोक्स अगर इन पे है तो स्मोक करके थोड़ा सा आगे जरूर जा पाएंगे, देखते हैं। बिल्कुल स्मोक करने की कोशिश रहेगी डीएमई बेन की तरफ से, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया डीएमई की स्क्वाड की तरफ से, नेड करने की कोशिश किया, स्मोक किया, देखते हैं नेड करने की कोशिश थी, जंप नेड करने की कोशिश लेकिन गलत डायरेक्शन में जरूर किया। राइज ताबिक अपनी स्क्वाड के बाहर ही बैठे हुए हैं, शॉट जरूर किया डीएमई बेन पे लेकिन टेक डाउन नहीं कर पाए। एचएमयू हामी नहीं दिख रहे हैं, एचएमयू डीजे ओपी यहाँ पर प्रोन के जोन इन जरूर करें, डीएमई ब्रैड और यहाँ पर फिनिश कर दिया डीएमई बेन को, यहाँ पर सॉरी डीएमई बेन को फिनिश कर दिया एचएमयू डीजे ओपी ने। 1v3 की सिचुएशन, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ने एंगल बना के फिनिश कर दिया एचएमयू डीजे ओपी को, काफी बढ़िया खेलने की कोशिश रही थी एचएमयू डीजे ओपी के, तो काफी बढ़िया, वैसे भी काफी बढ़िया खेले एचएमयू डीजे ओपी ऐसा
काफ़ी सारी स्क्वाड्स अलाइव थी लास्ट के कुछ जोन्स में, लेकिन एंड पे चराइज के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज थी क्योंकि वो चार बंदे अलाइव थे और बाकी डीएमई बेन अकेले बंदे थे, वीटीपी डिफ्यूज अकेले बंदे थे और एचएमई डीजेओपी अकेले बंदे बचे हुए थे अपनी स्क्वाड की तरफ से। तो यहाँ पर पहला मैच हो चुका है ख़त्म, जो कि रैंगल था फाइनल्स का, पहला मैच फिनिश हो चुका है, अभी कुछ टाइम में दूसरा मैच भी होने वाला है। तब के लिए हम देखते हैं मैंने कहाँ तक पढ़ा था, पीर मचा उठी मवी मवी, ये सच है कि तुझे वहाँ पे मोल है। मीन में 14 अकाल सर, मेरे कमेंट पढ़ पोषम अक अक्षलु वाले दया से मनचावन कोलम मन वन फोर सेवन एमएस फैजान दिया कर नाटी फोल एडमिन हिट द लाइक बटन टर्न प्यार टर्न। अभी मेरे को उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको बाद में क्या इशू आ रहा है। डी सिंह बहुत है रूम में भाई, डिले की वजह से हो जाता है 147 में। फैजान एंड जूस स्किप कर शोर आ रहा है, किया मैंने स्किप किया, मेरे को स्क्रीनशॉट लेने थे इसीलिए मैं वहाँ था अभी। तो हो गया पहला मैच ख़त्म हो चुका है फाइनल्स का, तो अभी कुछ टाइम में दूसरे रूम का आईडी पासवर्ड भी आ जाएगा, तो चेक करते हैं कब आएगा। अभी नहीं आया है, अभी कुछ टाइम में ज़रूर आएगा दूसरे रूम का आईडी पासवर्ड। तब तक के लिए देखते हैं कौन से बंदे कहाँ पर है। इरेंकल खेल रहा है 147 एमएस ज़ूस, ये कुछ मैच में गए सारे। तो गाइज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। 200 सब्सक्राइबर्स का गोल रहेगा हमारा, 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अब और 100 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो देखते हैं जल्दी से कर हो जाएंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अच्छा यार कुश्ती दान चाहिए भी, अच्छा 220 किए हैं उन्होंने, लई खुदा यार यानी बेस्ट तो खेल रहा है। वहां से विकेट किस किस ने लिए थे, संदीप राशिद खान, विजय शंकर, छी भाई छी। तो देखते हैं आईडी पासवर्ड आया या नहीं, यार जाना चाहिए यार, जाना चाहिए। अभी नहीं आया आईडी पासवर्ड, दूसरा मैप शायद से सैनॉक होने वाला है, लेकिन मेरा मैप पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं कौन सा मैप होने वाला है। अभी जो रूम आईडी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, दूसरे मैच का आईडी पासवर्ड आ गया फाइनली। तो देखते हैं कौन सा वाला मैप होने वाला है, दूसरा वाला, फिर हम रूम ज्वाइन करें। दूसरा मैच होने वाला है मीरामार,
मीरामार। स्कॉर्स ने आना स्टार्ट कर लिया, तो देखते हैं जल्दी से सारी स्कॉर्स आ जाए और ये वाला मैच भी स्टार्ट हो जाए। और ये आज इनका आखिरी मैच होने वाला है, कल होगा फिर तीसरा मैच। टाइमिंग अभी श्योर नहीं है उस मैच की, तो देखते हैं वो वाला मैच कब होगा। फिलहाल के लिए आज ये आखिरी मैच होने वाला है। यहाँ पर दूसरा मैच होने वाला है मीरामार का, तो शायद से पिछले वाले मैच में TXT गर्ल्स की स्क्वाड नहीं आई थी, उनका भी स्लॉट लिस्ट में नाम था लेकिन वो नहीं आई थी शायद, क्योंकि दिखी नहीं गई। तो एसी स्क्वाड आ चुकी है, एसी पूरी स्क्वाड है। टीम फार का एक बंदा है, आइजूस iFlex69 का एक बंदा आया, और अभी कोई और स्क्वाड आई नहीं है। BTP के दो बंदे हैं, NG के दो बंदे हैं। तो यार जल्दी से आ जाओ, उतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और उतना डीसिंक कम रहेगा। जितना डिले रहेगा, डिले होगा रूम स्टार्ट होने में, उतना डीसिंक रहता है। तो बेटर है कि जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और डीसिंक भी कम रहेगा रूम में। Thank you.
तो यहाँ अभी भी सिर्फ 27 बंदे हैं रूम में यार। 147 में से अभी तीन ही बंदे आए हैं फिर से। इससे पहले वाले मैच में भी तीन ही खेल रहे थे, तो अभी भी तीन आए। शायद से चौथा बंदा आएगा 147 में से, फैजान। देखते हैं इच्छे में। हाँ, में लोपी आ चुके हैं जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। टीम अल्ट्रा की पूरी स्क्वाड आ चुकी है, टीम एनजी आ चुकी है, बीटीबी भी आ चुकी है। एक्जॉन के तीन ही बंदे आए हैं, एचएमयू का एक बंदा आ चुका है, फ्लिक 69 पूरी स्क्वाड आ गई है, 147 एमएस के तीन बंदे हैं, एस की पूरी स्क्वाड है, टीम फायर के दो बंदे हैं, राइज के भी दो बंदे हैं, एस और यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी सब आ रहे हैं, और फैजान आ चुके हैं। तो एस 147 एमएस की इस बार पूरी स्क्वाड आ चुकी है, तो देखते हैं कैसा खेलेंगे। फोर्टी बंदे आ चुके हैं रूम में, अभी कुछ लोग नहीं आए हैं, तो जल्दी से वो भी आ जाएंगे और ये भी स्टार्ट हो जाएगा। फजूल में फिर डिले होता है। एक सेकेंड गाइस, तब तक लिए आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो स्ट्रीम को। सब्सक्राइब ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो सुरतुर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो देखते हैं कौन कौन सी स्क्वाड। अब ऑलमोस्ट सारी स्क्वाड आ चुकी हैं, एक दो बंदे एचएमयू की स्क्वाड भी आ गई, दो हैं इनके, दो प्लेयर्स हैं इनकी तरफ से, वॉरलॉक के भी दो बंदे आए हैं, वुल्फ के तीन बंदे आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारी स्क्वाड आ चुकी है। देखते हैं कैसे आगे प्रोग्रेस करेगा ये वाला मैच। मेरा मार का मैच है तो दूसरा मैच है, उसके बाद सिर्फ लास्ट का मैच है, तो ये वाला मैच काफ़ी सारी स्क्वाड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने लिए काफ़ी सारी पॉइंट्स ज़रूर लेंगे क्योंकि फाइनल्स है और हर किसी स्क्वाड को अपना बेस्ट तो देना ही पड़ेगा। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पर स्क्वाड्स की, जिन जो स्क्वाड जिससे पहले अर्ली एलिमिनेट हो गई थी, क्या वो इस मैच में क्या वो इस मैच में कवर अप कर पाएंगे अपने लिए या नहीं। तो 62 बंदे आ चुके हैं, बस कुछ ही टाइम में रूम स्टार्ट भी हो जाएगा, तो बस वेट करते हैं रूम स्टार्ट होने का। कार्टून्स की भी पूरी स्क्वाड आ गई है, कार्टून्स स्क्वाड इससे पहले थोड़ा सा अर्ली एलिमिनेट होते हुए दिखी ज़रूर हमें, एसएक्स वोर्टेक्स की तरफ से इन पे थर्ड पार्टी हो गई थी और फिनिश भी हो गए थे उनकी तरफ से। तो देखते हैं इस वाले मैच में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इनकी। सारी स्क्वाड्स आ चुकी है ऑलमोस्ट, वॉरलॉक का एक बंदा नहीं आया है, वुल्फ का एक बंदा नहीं आया और एग्जॉन का एक बंदा नहीं आया, बाकी सारी स्क्वाड्स आ चुके हैं। टीएक्सटी गर्ल्स नहीं आई हैं इस वाले मैच में, पहले मैच में भी नहीं आई थी, इस वाले मैच में भी नहीं आई हैं, और कौन सी स्क्वाड नहीं आई है, डीएमई के बंदे नहीं आए हैं इस वाले मैच में, डीएमई की स्क्वाड नहीं आई है इस मैच में।
डीएमई की स्क्वाड नहीं है ये इस मैच में, जिनने इससे पहले हैशटैग 2 पे फिनिश किया था, तो देखते हैं क्या उनका कोई भी बंदा आएगा या उनसे पहले ही रूम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बी टी बी एच एम नब आ चुके हैं बी डीएमई के स्लॉट में, इससे पहले भी अकेले बंदे थे लेकिन स्लॉट 1 से खेल रहे थे अकेले बंदे, 147 एम एस के ड्रॉप पे ज़रूर आए थे लेकिन फिनिश हो चुके थे उनकी तरफ से। तो यहाँ पर सभी स्क्वाड्स आ चुके हैं, मे बी रूम स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही टाइम में। वन फोर सेवन एम एस नियो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, शुगर डैडी भी यहाँ खेल रहे हैं 147 एम एस की तरफ से, 147 एम एस फैजान, शुगर डैडी और 147 एम एस जूस हैं, एक बंदे नियो थे वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या वो टाइम पे वापस आएंगे या नहीं। एल बी एच एम और बहुत कुछ ऐसा ही, ये बी टी वी के स्लॉट में आए हैं लेकिन चले गए वापस। वुल्फ सीनियर के पास मैप नहीं था तो उनके बगैर ही ये वाला मैच स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनल्स के आज दिन का दूसरा मैच और आज दिन का आखिरी मैच भी स्टार्ट हो गया है, जो कि होने वाला है मीरामार टीम फार कैसी टीम है भाई। टीम फार कैसी टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म ज़रूर किया है उनने, काफ़ी सही टीम है। यहाँ पर जो भी टीम्स फाइनल्स में खेल रही हैं काफ़ी ज़्यादा सारे काफ़ी अच्छा खेलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल्स तक पहुँचना कोई छोटी बात थी नहीं, तो ऑब्वियसली अच्छा ही खेल रही हैं इसीलिए फाइनल्स में पहुँची हैं। अभी वोटेक्स सेल्फोरियो हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं, राइस की पूरी स्क्वाड है, वोटेक्स की पूरी स्क्वाड है, वोटेक्स एक्स एस की पूरी स्क्वाड है, टीम फार की पूरी स्क्वाड है, एस की पूरी स्क्वाड है, 147 एम एस की स्क्वाड आ चुकी है, कार्टूज, आई फ्लेक्स 69, HMU, वॉरलॉक, एग्जॉन, वुल्फ के तीन ही बंदे हैं, टीम डॉन्टलेस की पूरी स्क्वाड है, टीम अल्ट्रा, टीम एनजी, टीम एक्सकैल और बीटीबी की पूरी स्क्वाड है। तो इस वाले मैच में सारी टीम्स फुल मैन स्क्वाड खेलते हुए नज़र आ जरूर रही है। चलते हैं बाकी बंदूक पे, यहाँ एक्सकैल बग्स बनी, बीटीबी क्रिम्सन, पता नहीं ग्लिच है कुछ, मेरे को क्यों नहीं मैच स्टार्ट हो रहा है, मैच स्टार्ट से 52 सेकेंड्स पे मैं अटका हुआ हूँ और गेम ही अटक गई। वाह वाह भाई, गेम ही क्रैश हो गई। नाइस, तो गाइस गेम क्रैश होते हुए रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, देखते हैं। सॉरी गाइस गेम क्रैश हो गई, अब रिस्टार्ट करके देखते हैं। सारा मूड खराब है जो, हाँ भाई सारा मूड खराब, क्या कर सकते हैं यार, किस्मत ही खराब है भाई। देखते हैं रिस्टार्ट करके शायद से चल जाए, देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या करना है टाइगर गेम, शायद से चल गया वापस भाई, ये सब फजूल बातें नहीं करो यार, हो गया शायद, एंटर मैच अगेन किया, हाँ हो गया स्टार्ट, हो गया चल गया वापस, मैंने हगा 1v1 में, हाँ लगा था भाई, लगा मुझे अपने आगा, देखा मैंने, लोडिंग पे अटका हुआ हूँ। नाइस, अभी
भी लो। अच्छा गोसा, हाँ। और यहाँ पर हम आ चुके हैं वापस रूम में। अच्छा चाइनीज नाम है यहाँ पर, एच एम यू। हाँ मिलो। और यहाँ पर वापस स्ट्रीम, वापस गेम चल चुकी है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर हर किसी टीम ने ड्रॉप ज़रूर लिया है। 147 एम एस की स्क्वाड लॉस लियॉन्स को दिखती हुई हमें दिख रही है। यहाँ पर दो स्क्वाड में काफ़ी क्लोज दिख रही है एक दूसरे के। एग्जॉन की स्क्वाड है और इनके सामने अल्ट्रा की स्क्वाड है। देखते हैं यहाँ पर कौन सी स्क्वाड अपने लिए फाइट निकाल पाएगी। बी टी बी डिफ्यूज़ ने टीम फायर इन्फिनिटी को नॉक दे दिया, टीम फायर किंग को भी नॉक दे दिया। बी टी बी डिफ्यूज़ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से दो नॉक दिए अपनी स्क्वाड के लिए। बी टी बी के बंदे ने टीम फायर बीस्ट को भी नॉक दे दिया, तीन नॉक दे दिए हैं बी टी बी डिफ्यूज़ ने। तो चलते हैं बी टी बी डिफ्यूज़ पे, यहाँ पर फिनिश दे रहे हैं। पर इन्फिनिटी को भी फिनिश मिल जाएगा। एस गारा ने एस फूफू को नॉक दे दिया है। चलते हैं एस गारा पे, एस फूफू को नॉक दे दिया एस गारा ने और फिनिश भी दे दिया एस फूफू को। जी बिल्कुल, फिनिश भी दे दिया एस फूफू को। एस आर्सनिस्ट यहाँ पर पिस्टल लेके पीछे जरूर जाने। टीम फार ओपी और टीम फार का एक और बंदा भी शायद से फिनिश हो चुका है। टीम फार के अकेले बंदे बचे हुए हैं टीम फार एक्स डी। ओ जी हना ने किंग आमिर जे आर को जरूर फिनिश दिया है। तो यहाँ पर टीम अल्ट्रा के एक बंदे फिनिश हो चुके हैं एग्जोन की स्क्वाड की तरफ से। तो कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर शॉट जरूर दिया एग्जोन के दूसरे बंदे ने। एग्जोन फ्लेक्स ओपी थोड़ा सा अलग एंगल होल्ड करके अपनी स्क्वाड की तरफ से। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे अपने लिए क्या कोई नॉक निकाल पाएंगे अपनी स्क्वाड के लिए या नहीं। चलते हैं एग्जोन। टीम फार एक्सो है, एक्स डी नहीं। अच्छा टीम फार एक्सो, मैं गलत, मैंने पूरे टूर्नामेंट में कहा नाम ही गलत पड़ा। एग्जोन फ्लेक्स यहाँ पर पीछे से आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं टीम अल्ट्रा पे। तो देखते हैं क्या अपने स्क्वाड के लिए एक नॉक निकाल पाएगी, एक ब्रेक थ्रू निकाल पाएंगे अपने स्क्वाड के लिए या नहीं। फिलहाल के लिए लूट करने जा रहे हैं, इनके पास लेवल 2 हेलमेट और लेवल 3 वेस्ट ज़रूर है और गन्स भी हैं। इनके पास हीलिंग्स नहीं है, इनके पास हीलिंग्स थोड़ी सी कम ज़रूर है एग्जोन फ्लेक्स के पास। देखते हैं यहाँ पर क्या नॉक निकाल पाएंगे अपनी टीम के लिए या नहीं। तब तक के लिए बाकी स्क्वाड की तरफ नज़र मारते हैं। सैन मार्टिन में कार्टून की स्क्वाड के साथ एस की स्क्वाड आ चुकी है। वॉर्टेक्स एक्स एस की स्क्वाड, टीम फार एक्सडी को भी फिनिश दिया। बी टी बी डिफ्यूज़ ने यहाँ पर टीम फार की स्क्वाड एलिमिनेट हो चुकी है। इस वाले मैच से अर्ली एलिमिनेट हो गई है, पहली स्क्वाड बन चुकी है इस मैच से एलिमिनेट होने में, होने वाली पहली स्क्वाड है। तो वॉर्टेक्स एक्स एस के सामने यहाँ पर कार्टून की स्क्वाड जरूर देखने को मिल रही है। चलते हैं वॉर्टेक्स फॉर यू पे, जो कि थोड़ा सा आगे हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से। इनके सामने आई पोपाई ज़रूर है, लोकेशन पता होगी कि इनके सामने बंदे हैं। तो देखते हैं कैसे फाइट निकाल पाएंगे। आई शिनचैन भी काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, एस गारा पे चलते हैं। बॉब द बिल्डर यहां पर थोड़ा सा राइट एंगल जरूर अपनी स्क्वाड की तरफ, जरूर अपनी स्क्वाड के लिए जरूर होल्ड किया। तो देखते हैं यहां पर क्या अपने स्क्वाड के लिए कोई ब्रेक थ्रू निकाल पाएंगे या नहीं। बॉब द बिल्डर ने इससे पहले काफी 1v4 बाय डिफ्यूज, हां टीम फार को 1v4 किया डिफ्यूज ने। शायद से ड्रॉप पे फाइट लगी थी उनकी, मतलब गन के बगैर थे शायद टीम फायर के बंदे, पता नहीं मैंने देखा नहीं। तो बॉब द बिल्डर और दोनों टीम्स काफ़ी होल्ड करके जरूर खेल रही है। एस गारा पे शॉट जरूर लिया आई शिनचैन ओपी ने और नॉक भी कर दिया है एस गारा को काफ़ी बढ़िया तरीके से। बॉब द बिल्डर पे भी शॉट्स लिए, कवर देने की कोशिश रही थी एस फेलिक्स की। एस गारा को फिनिश जरूर देंगे, बॉब द बिल्डर ने फिनिश दे दिया एस गारा को। तो एस का एक बंदा नॉक फिनिश हो चुका है। तो एस एक्स वॉटेक्स के सिर्फ तीन बंदे बचे हैं। वॉटेक्स हेल्प और यू भी आगे थोड़ा सा फंस चुके हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से। थोड़ा सा अलग अगर नॉक हुए तो रिवाइव देना बहुत मुश्किल रहेगा इनके लिए। आई शिनचैन ओपी अपना टीपीपी लेके जरूर है, नेट करने की कोशिश वॉटेक्स सेल्फोरी पे, लेकिन वॉटेक्स सेल्फोरी को पता चला कि नेट आ रहा है तो पीछे हट चुके हैं। अल्ट्रा बेन ने ओजी हनान को नॉक दे दिया, ओजी हनान को फिनिश दे दिया अल्ट्रा बेन ने, अल्ट्रा बेन को नॉक दे दिया ओजी हमास ने। टीम अल्ट्रा की फाइट देखने को मिल रही है। चलते हैं टीम अल्ट्रा पे, टीम अल्ट्रा कॉन्स्टेंटिन अकेले बंदे अपनी स्क्वाड में। सामने से एक्जॉन फ्लेक्स ने फिनिश कर दिया अल्ट्रा बेन को, बहुत ही बढ़िया ड्रॉप शॉट एक्जॉन फ्लेक्स की तरफ से यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं टीम अल्ट्रा भी। चलते हैं वापस एस एक्स वॉटेक्स की स्क्वाड पे, डी सिंह रेमिंगटन रही आई हो पाई पे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। वॉटेक्स भी जो सामने अकेले बंदे फंसे हुए थे अपनी स्क्वाड की तरफ से पीछे आ चुके हैं, आप अपने बंदों के साथ रीयूनाइट कर लिया है उन्हें। चलते हैं बॉब द बिल्डर पे, देखते हैं बॉब द बिल्डर कहाँ पर है। स्कोपिंग करके स्पॉट करने की कोशिश रहेगी ज़रूर किसी को, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। M4N के पास लेवल 2 का हेलमेट, लेवल 1 का वेस्ट जरूर है, हीलिंग्स भी है ठीक ठाक, तो फाइट निकालने के लिए सही सप्लाईज है। तो देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे कार्टून ये वाली फाइट अपने लिए। वॉर्टेक्स एक्स एस की स्क्वाड वही स्क्वाड थी जिससे जिन्होंने इससे पहले वाले मैच में एलिमिनेट किया था कार्टून्स की स्क्वाड को थर्ड पार्टी करके। तो देखते हैं क्या यहाँ पर बदला ले पाएंगे कार्टून्स की स्क्वाड।
तब तक के लिए नज़र मारते हैं मैप पे। तो जोन थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड पे बना है, तो 147 MS की स्क्वाड ने जोन करना स्टार्ट कर लिया, जोन की स्क्वाड ने भी जोन करना स्टार्ट कर लिया, DC क्रेमिंगटन की स्क्वाड ने भी जोन करना स्टार्ट कर लिया। तो सारी स्क्वाड्स अपनी रोटेशन देते हुए दिख रही है हमें। BDB की स्क्वाड अभी भी लॉ कोबरिया में लूट करते हुए नज़र आ रही है। अभी रहते हैं यहीं पर क्योंकि यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर बॉब द बिल्डर राइट वाली बिल्डिंग में स्कोप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई है नहीं। शायद जिनको पता लगा है कि वहाँ पर कोई है, अपने बंदे को कवर देने की कोशिश रहेगी, जो कि क्रॉस कर रहे हैं। चलते हैं आईशनशान OP पे। AKM रेड डॉट चलाने, AKM M4 रेड डॉट M4 चलाने की कोशिश रहेगी इनकी तरफ से। वोटेक्स आजाद छत पे जरूर चढ़े हुए हैं। क्या यहाँ पर Mini-14 से किसी को नॉक दे पाएंगे? आईपोपा अपनी स्क्वाड की तरफ से थोड़ा सा पीछे जरूर खेल रहे, कवर देने की कोशिश रहेगी इन पे। आईपोपा ओपन में आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया कवर फायर, बहुत ही बढ़िया कवर फायर कार्टून की स्क्वाड की तरफ से। बॉब द बिल्डर पे शॉट्स लिए जरूर वोटेक्स हजार ने, लेकिन नॉक नहीं कर पाए। काफी बढ़िया इंस्टेंट कवर दिया कार्टून्स के बंदे ने अपने आईपोपाई को, नॉक नहीं होने दिया, वरना नॉक हो भी सकते थे आईपोपाई वोटेक्स हजार की तरफ से। तो चलते हैं आईपोपाई भी, जो काफी पीछे से एंगल होल्ड करके बैठे हैं। मिनी की वाइट वोटेक्स हजार के साथ शॉट्स आए, काफी लो किया वोटेक्स हजार ने, स्कोपिंग करके बैठे थे आईपोपाई पे, लेकिन काफी लो रखा, लेकिन नो नहीं नॉक नहीं कर पाए। फेगर बॉटेक्स से नॉक दे दे आई जूस OP को। तो ही चलते हैं बॉटेक्स की स्क्वाड से। यहाँ पर रोटेशन में शायद से नॉक दिया है फेगर बॉटेक्स को। चलते हैं आई आई जूस OP पे। यहाँ अकेले बंदे फंसे हुए अपनी स्क्वाड की तरफ से, और फिनिश भी हो जाएंगे। ओपन में पड़े थे, शायद से रोटेशन दे रहे थे और रोटेशन में पकड़े गए, बिल्कुल रोटेशन में ही पकड़े गए हैं, क्योंकि इनके बाकी दो बंदे काफ़ी दूर है। तोरे अमूदा पहुंच चुके हैं इनके बाकी सब बंदे। तो वापस चलते हैं वोटेक्स हेल्पफुल यू पे। अभी भी ये होल्ड करके ही खेल रहे, दोनों स्क्वाड्स काफ़ी सेंसिबली खेलते हुए नजर आ रही है। आई शिनशान पे चलते हैं, जो कि आगे अगर फिनिश हो चुके हैं। आई जूस OP कोई भी स्क्वाड कोई पुश नहीं कर रही है। चलते हैं आई पोपाई पे। आई पोपाई काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं अपनी स्क्वाड से। देखते हैं यहाँ पर अपने लिए व्हीकल सिक्योर करने की कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल, व्हीकल सिक्योर, व्हीकल की तरफ जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इनकी, क्या फ्लैंक देके आएंगे अपने अपनी स्क्वाड की तरफ से। शॉट जरूर ले जा रहे हैं आई पोपाई पे, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। देखते हैं आई पोपाई की स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या रहेगी। इस फेलिक्स बीच तक तो पहुंच चुके हैं, मॉली इनके हाथ में, नेट जरूर आया लेकिन नॉक नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हो पाया। काफी बढ़िया कोशिश थी कार्टून की तरफ से नेट से नॉक करने की किसी को। बॉब द बिल्डर एक और नेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिर चुके हैं, थोड़ी सी खराब सिचुएशन इनके लिए। ये फाइट काफी दूर देख, काफी टाइम तक चलने वाली है। वुल्फ की स्क्वाड यहाँ पर हमें आते हुए दिख रही है सैन मार्टिन की तरफ। इनके पास कोई भी व्हीकल है नहीं, तो ऑन फुट आ रहे हैं। नॉक थर्ड पार्टी जरूर कर सकते हैं आई पोपा, शायद से स्पॉट हुए वुल्फ फुरकान को। देखते हैं कैसा यहाँ पर थर्ड पार्टी, क्या यहाँ पर वुल्फ की स्क्वाड करते हुए दिखेगी हमें किसी एक स्क्वाड पे। वुल्फ की स्क्वाड यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रोल प्ले कर सकती है इस फाइट में। काफ़ी दोनों में से किसी एक स्क्वाड को काफ़ी बढ़िया तरीके से BT देते हुए दिख सकती है हमें वुल्फ की स्क्वाड। वुल्फ फुरकान ओपन में से क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा सा खतरा रह सकता है इनके लिए, लेकिन वोटेक्स की स्क्वाड को नहीं, वोटेक्स एक्स एस की स्क्वाड को नहीं पता कि कोई आ रहा है पीछे से, तो आराम से आ जाएंगे। थोड़ा सा अंदर वाले एरिया पे है सैन मार्टिन के, काफ़ी अंदर वाले एरिया पे बैठी हुई है वोटेक्स एक्स एस और कार्टून्स और वुल्फ की स्क्वाड। थोड़ा सा बाहर वाले एरिया पे आ रही है, तो यहाँ पर जोन की तरफ जोन की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी स्क्वाड जोन में हमें दिख रही है। NG की स्क्वाड अभी जोन में नहीं है, BTB के तीन बंदे, दो बंदे अभी जोन में नहीं है, और एस के बंदे अभी जोन में नहीं है। एस की स्क्वाड हमेशा हमें लेट रोटेट करते हुए दिखी है हर किसी मैच में, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लेट रोटेट कर रही है एस की स्क्वाड, और उनके लिए थोड़ी सी BT लग रही है इनको जोन में आके फिर फाइट निकालने में, क्योंकि जोन में तब तक सारी स्क्वाड जाके आराम से होल्ड कर लिया होता है उनने, तो ये आके इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल रहती है फाइट निकालना। चलते हैं 147 MS की स्क्वाड पे। 147 MS जूस यहाँ पर, इनके शायद बंदे ड्रॉप लूटने गए हैं 147 MS। एक्सकैल की पूरी स्क्वाड देखते हैं क्या यहाँ पर फाइट निकाल पाएंगे 147 MS। एक्सकैल जूनी यहाँ पर शैक पे बैठे हुए हैं, शॉट जरूर लिए जा रहे हैं इन पे एक्सकैल की तरफ से। शुभ अटारी बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं अपनी स्क्वाड, काफ़ी बढ़िया शुगर डैडी ने कंफर्म करने की कोशिश, लेकिन कंफर्म नहीं कर पाए, कवर जरूर दिया है शॉट्स लिए शुगर डैडी ने इनसे, लेकिन नॉक नहीं कर पाए। शॉट्स लिए लो किया लेकिन नॉक नहीं कर पाए, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर शुगर डैडी ने बहुत ज़्यादा बढ़िया नॉक निकाला अपनी स्क्वाड के लिए। क्या यहाँ पर पुश करते हुए दिखेगी हमें 147 MS की स्क्वाड, लेकिन हाँ 147 MS फैजन काफ़ी आगे आ चुके हैं बगी में इनके साथ। 147 MS जूस देखने को मिल रहे हैं,
कवर में फैजान और आ गया के हैं, नियो कवर देते हुए हमें जरूर दिख रहे हैं अपने बंदे को, लेकिन यहाँ पर शुगर डैडी 147 हमें दिख रहे हैं, हम एक्सकैल्प नहीं कर पाए, चलते हैं 147 में फैजान में जो काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, नियर करने की कोशिश जरूर रहेगी। एक्सकैल खान एक्सकैल किंग राइट से जरूर आ रहे हैं, स्पॉट कर सकते हैं 147 में फैजान को। एच एम यू डी जी ओ पी ने एक्सकैल टैगर को नॉक कर दिया, एच एम यू यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए जरूर दिख रही है हमें एक्सकैल की स्पॉट पर। फैजान बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, इनके राइट पर एक्सकैल किंग है, स्पॉट नहीं किया अभी भी एच एम यू की स्क्वाड थर्ड पार्टी कर सकती है 147 स्पेस के बाद। यह एक्सकैल पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा दोनों स्क्वाड्स पे। एक्सकैल खान यहाँ पर उनके बिल्कुल सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से 147 ने टेक डाउन कर दिया एक्सकैल खान को, काफ़ी बढ़िया सामने जरूर बचे हुए अकेले बंदे, दो बंदे इनके आ रहे हैं जूस और फैजान, जूस थोड़ा सा आगे जाते हुए एडवांस जा रहे हैं, शॉट जरूर लिया लेकिन फिनिश कर दिया 147 फैजान ने। एक्सकैल किंग को भी काफ़ी बढ़िया खेले 147 फैजान, दो किल्स आ चुके हैं इनके पास, बहुत ज़्यादा लो जरूर हुए लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये फाइट निकाली 147 MS ने, तीन किल्स आ चुके हैं इनके पास, चलते हैं HMU पे, देखते हैं क्या थर्ड पार्टी करेंगे, लेकिन नहीं थर्ड पार्टी करने का डिसीजन नहीं है इनका, होल्ड ही करें अभी भी HMU, लेकिन थर्ड पार्टी कर सकते थे लेकिन होल्ड करने का डिसीजन लिया है HMU ने यहाँ पर। और यहाँ पर जोन एक और राइट हैंड साइड जरूर शिफ्ट लिया है यहाँ पर, काट वेयर इज एस, एस अभी यहाँ पर जोन इन करते हुए हमें दिख रही है, एस फ्लो की, एस आर्सनिस्ट, एस फूफू फिनिश हो चुके हैं, अर्ली फिनिश हो चुके थे एस गारा की तरफ से, एस अदनान वाइटी, एस फ्लो की और एस आर्सनिस्ट अकेले तीन हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से। तो चलते हैं हम यहाँ पर एस एक्स वॉटेक्स की स्क्वाड पे, क्योंकि ये अभी भी सैन मार्टिन में हम दिख रहे हैं, फॉल बैक करने का डिसीजन जरूर लिया है इन्हें, क्योंकि जोन राइट साइड से शिफ्ट ले लिया है जोन ने, कार्टून की स्क्वाड ने भी फॉल बैक करने का डिसीजन लिया है, काफ़ी बढ़िया म्यूचुअल डिसीजन रहा है दोनों का कि जोन में जाके फाइट लेते हैं। वॉटेक्स की स्क्वाड हमें जोन करते हुए दिख रही है, टीम डॉन्टलेस काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ द जोन में पहुँच चुकी है 147 MS OP, हाँ बिल्कुल 147 MS OP, टीम डॉन्टलेस की स्क्वाड यहाँ पर जोन में ज़रूर आ चुकी है, एक हिल एरिया साइड होल्ड कर किया है, थोड़ा सा ओपन में ज़रूर है लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे टीम डॉन्टलेस की स्क्वाड या नहीं। राइज की स्क्वाड भी हमें क्रूज दल वैली के साइड पे दिखती हुई नज़र आ रही है, सारी स्क्वाड ने ऑलमोस्ट जोन कर लिया, 14 टीम्स अभी भी हमारे पास है, एस की स्क्वाड अभी भी काफ़ी ज़्यादा जोन के बाहर है, एनजी की स्क्वाड भी काफ़ी ज़्यादा जोन के बाहर हमें दिख रही है 147 MS, और यहाँ पर HMU की स्क्वाड काफ़ी शुगर डैडी बहुत बढ़िया स्प्रे दिया शुगर डैडी ने, HMU निगाह कर देंगे बिल्कुल फिनिश कर दिया है HMU निगाह को, निगाह ओपी को शुगर डैडी ने, दो किल्स आ चुकी है शुगर डैडी के पास, HMU के तीन बंदे इनके नीचे, निगाह नॉट ओपी, HMU हामिल ओपी और HMU डीजी ओपी, देखते हैं यहाँ पर 147 MS अग्रेसिव मोड में जरूर दिख रही है, यहीं से पुश करने गई HMU की स्क्वाड पे, देखते हैं कैसा खेलेंगी 147 MS, फैजान थोड़ा सा ऑफ एंगल जरूर गए हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से, HMU डीजी ओपी को स्क्वाड जरूर किया लेकिन नॉक नहीं कर पाए, फैजान पे शॉट जरूर लिए लो भी किया लेकिन नॉक नहीं कर पाए HMU के बंदे, देखते हैं कैसी फाइट निकाल पाएगी 147 MS की स्क्वाड। 147 MS नियो भी काफ़ी नज़दीक हमें दिख रहे हैं, इनके गाड़ी में चढ़ चुके हैं शायद से, पुश करने की कोशिश रहेगी इनकी, शुगर डैडी बगी में आगे हैं, थोड़ा सा राइट साइड मूव जरूर किया है HMU DJOP के बिल्कुल सामने है, क्या DJOP पे चलते हैं, देखते हैं DJOP स्क्वाड जरूर कर सकते हैं, टेक डाउन भी कर सकते हैं लेकिन नहीं, दूसरे एंगल पे चले गए हैं HMU DJOP, इनके सामने 147 MS की पूरी स्क्वाड है, फैजान भी बगी में आगे आ चुके हैं, अभी एक नॉक का वेट कर रही है 147 MS की स्क्वाड ताकि ब्रेक थ्रू मिल सके और पुश कर पाए, देखते हैं कौन वो ब्रेक थ्रू निकाल के लाता है अपनी स्क्वाड के लिए। हर कोई अपने अपने अलग अलग एंगल होल्ड करके हैं, चारों एंगल होल्ड करके हैं 147 MS के चारों बंदे, चलते हैं शुगर डैडी पे, देखते हैं शुगर डैडी के पास दो किल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, DJOP को स्पॉट करने की कोशिश रहेगी यहाँ पर शुगर डैडी की, नियो ने पुश कर दिया है यहाँ पर, नियो काफ़ी क्लोज आ चुके हैं इनके सामने, HMU DJOP जरूर है, देखते हैं 1v1 कैसा निकाल पाएंगे यहाँ पर, नियो होल्ड ही करके हैं आगे जाने की और ज़्यादा, और यहाँ पर फैजान भी, जूस भी आ चुके हैं, फैजान भी आ चुके हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से, नियो को डाउन कर दिया HMU DJOP ने यहाँ पर, नियो 1v1 में नहीं ले पाए, नॉक कर दिया DJOP ने, थोड़ा सा मुश्किल रह सकती है यहाँ पर, देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे, जूस भी अपनी स्क्वाड जरूर लिए, बहुत ही बढ़िया नॉक शुगर डैडी की तरफ से, निगाह नॉट ओपी को काफ़ी बढ़िया खेले शुगर डैडी, 4x स्प्रे बहुत बढ़िया तरीके से, HMU हामिल ओपी भी वहीं पर 2v3 की फाइट जरूर देखने को मिल रही है, चलते हैं फैजान से, ओपन से आ रहे थे हामिल ओपी लेकिन नॉक नहीं हुए, शुगर डैडी की तरफ से शुगर डैडी भी आ चुके हैं यहाँ पर, रिवाइव देने की कोशिश रहेगी, पहले नियो को बंदे खड़ा करने की कोशिश है यहाँ पर फैजान की तरफ, शॉट जरूर ले रहे हैं बहुत ही बढ़िया नेट जूस की तरफ से, 1v3 की फाइट यहाँ पर HMU हामिल ओपी के लिए, चलते हैं HMU हामिल ओपी पे जो हील कर रहे हैं,
नेगा नॉट ओपी को रिवाइव भी दे दिया, शिवन एडिक शॉट जरूर ले रहे हैं। नेगा नॉट ओपी पे तो पिन डाउन हो चुके हैं जिम, क्योंकि दोनों बंदे पिन डाउन है। यहाँ पर फैजान लेफ्ट साइड से जरूर आ रहे हैं, जूस कॉपी यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। जूस ने हामिल ओपी को फिनिश कर दिया, डीजे ओपी भी फिनिश हो चुके हैं, निगा नॉट ओपी को भी यहाँ पर जूस ने फिनिश कर दिया। तो जूस के पास भी आ चुकी हैं दो किल्स, टीम की सेवन आ चुकी है। 147 MS के पास काफ़ी बढ़िया खेले हैं 147 MS। नियो जरूर आगे आके रश करते हुए डाउन हो चुके थे डीजे ओपी की तरफ से, लेकिन बहुत बढ़िया रिकवर किया है 147 MS के बंदी ने, और यहाँ पर एचएमयू की स्क्वाड को भी वाइप कर दिया है विद 7 किल्स। काफ़ी अग्रेसिव मोड में हमें दिख रही है 147 MS, देखते हैं क्या ये अपना अग्रेशन कंटिन्यू कर पाएंगे पूरे मैच में या नहीं। टीम डॉन्टलेस के पास आ चुकी है बॉटेक्स की स्क्वाड, चलते हैं बॉटेक्स की स्क्वाड में, जो टीम डॉन्टलेस के काफ़ी क्लोज आ चुकी है जोन में। एक पेट्रोल पंप होल्ड करके बैठी है फेकर बॉटेक्स, बॉटेक्स की पूरी स्क्वाड। आई पोपन एन जी क्लाउड को नॉक दे दिया, तो यहाँ पर कार्टून्स की स्क्वाड फिर से फाइट में इन्वॉल्व होते हुए हमें जरूर दिख रही है। चलते हैं कार्टून्स की स्क्वाड पे, आईपोपाइन नॉक जरूर दिया था एनजी के बंदे को, इनके सामने एनजी की स्क्वाड है। यहाँ पर जोन के बाहर फाइट जरूर हो रही है, जल्दी से फाइट खत्म करने की कोशिश रहेगी दोनों स्क्वाड्स की, ताकि फिर आराम से जोन इन कर पाए, क्योंकि अभी 2 मिनट जरूर है जोन में। एनजी क्लाउड को फिनिश कर दिया बीटीबी क्रिम्सन ने, तो यहाँ पर बीटीबी आईपोपाइन ने नॉक कर दिया एफपीएस ओपन को, काफी बढ़िया एनजी ग्रिफिन को वहां से बीटीबी के बंदे ने नॉक जरूर किया। तो बीटीबी की स्क्वाड थर्ड पार्टी जरूर दिख रही है एनजी की स्क्वाड पे, तो चलते हैं वापस यहाँ पर कार्टून्स की स्क्वाड पे। सामने एनजी ब्लेजी अकेले बंदे बचे हुए हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से, एनजी ग्रिफिन को रिवाइव देने की कोशिश जरूर रहेगी, और रिवाइव भी दिया, कामयाब हो चुके हैं रिवाइव देने में। बीटीबी की स्क्वाड भी यहाँ पर सीन में जरूर दिख रही है थर्ड पार्टी जरूर की एनजी के बंदू पे, एक बंदे को फिनिश भी कर दिया। राइज ताबिक ने फेकर बॉटेक्स को नॉक किया, लेकिन एलेक्स बॉटेक्स ने राइज ताबिक को नॉक कर दिया। इंसेंट डीएस ने राइज मुनीबे को नॉक कर दिया, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रॉक्सिन बॉटेक्स ने राइज मुनीबे को फिनिश भी कर दिया और राइज ताबिक को भी फिनिश कर दिया। दो बंदे बचे हुए हैं, इंसेंट डीएस काफ़ी लो जरूर हो चुके हैं। यहाँ पर राइज फ्री और यहाँ पर रोटेशन में पड़े गए थे राइज के दो बंदे, नॉक फिनिश हो चुके हैं बीस्ट और राइज फ्री का अकेले, दो बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से बचे हुए हैं। बॉटेक्स को मिल चुके हैं ये दो किल राइज की स्क्वाड की तरफ से। एरिस क्या बना, मैंने तुझे सब्सक्राइबर नहीं किया पैसे दे पहले भाई, पैसे क्या दूंगा भाई, पैसे सब्सक्राइबर अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या ऐसा भाई। यहाँ पर जोन ने सेंट्रल शिफ्ट ले लिया है, ऑलमोस्ट सारी स्क्वाड जोन में दिख रही है हमें। बीटीबी की स्क्वाड अभी जोन में नहीं है, आई फ्लेक्स 69 की स्क्वाड भी अभी जोन में नहीं है, कार्टून्स और एनजी की स्क्वाड अभी भी काफ़ी दूर है जोन से। एनजी ब्लेजी और एनजी ग्रिफिन अकेले दो बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से बचे जरूर है। फ्लेयर इनके हाथ में है, फ्लेयर हवा अली फ्लेयर चला रहे हैं एनजी ब्लेजी। वुल्फुरकान ने ए सदनान वाईटी को नॉक जरूर दिया है, 2v4 की सिचुएशन एनजी के दो बंदों के लिए, काफ़ी सेंसिबली खेल रही है कार्टून्स की स्क्वाड भी, कोई भी अननेसेसरी ब्लाइंड पुश देने नहीं जा रहे हैं कार्टून्स के बंदे, चाहे दो ही बंदे हो लेकिन कोई भी अननेसेसरी नहीं दे रहे हैं। आयशिन शानोबी के पास ग्रोजा जरूर, देखते हैं यहाँ पर ये फाइट कैसे निकाल पाएंगे। इनके सामने चलते हैं आईपोपा, दो बंदे जिंदा आईपोपा के पास, बेस्ट थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। एनजी ग्रिफिन और एनजी ब्लेजी अभी भी होल्ड करते हैं, जल्दी से ये फाइट फिनिश करनी पड़ेगी कार्टून से। बंदूक को जोन भी अभी जाना है, बॉब द बिल्डर थोड़ा सा राइट साइड पे ऑफ लाइन चले गए हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकिन किसी भी एंगल जरूर नहीं बनेगा। एनजी ब्लेजी अगर बाहर आ जाए तो टेक डाउन हो सकते हैं बॉब द बिल्डर की तरफ से, थ्रोएबल्स का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, नेट दोनों तरफ से किए जा रहे हैं ताकि कोई एक नॉक हो जाए, एक नेट किसी को नॉक कर पाए। आईपोपे पे नेट जरूर आया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। एनजी ग्रिफिन और एनजी ब्लेजी यहाँ पर बहुत सारे टीम नेट्स करेंगे, बीटीबी डिफ्यूज ने वॉर्टेक्स हेल्पर यू को नेट से नॉक कर दिया है, नेट कहीं ओवर पर कनेक्ट हुआ। बॉब द बिल्डर पे चलते हैं, अभी भी एक ऑफ एंगल पकड़ के हैं, स्मोक करके आगे जाने की कोशिश जरूर रहेगी। 147 फैजान ने एस आर्सनिश को नॉक दे दिया है, वॉर्टेक्स हजार को बीटीबी डिफ्यूज ने नॉक दे दिया, तो चलते हैं एस आर्सनिश पे जो कि नॉक पड़े हुए हैं। इनके सामने 147 MS की स्क्वाड जरूर देखने को मिल रही है, और वॉर्टेक्स एस की स्क्वाड शायद फिनिश हो गई है यहाँ पर, वॉर्टेक्स एक्सएस की स्क्वाड यहाँ पर फिनिश हो चुकी है बीटीबी की स्क्वाड की तरफ से। तो बीटीबी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वॉर्टेक्स एक्सएस की स्क्वाड को फिनिश कर दिया। आयशिन शानोबी ने एनजी ब्लेजी को नॉक कर दिया, और लास्ट के बंदे जो वहाँ पर बचे हैं एनजी ग्रिफिन, और यहाँ पर एनजी ग्रिफिन भी फिनिश हो चुके हैं प्ले जोन से। एनजी ग्रिफिन फिनिश हो गए थे, काफ़ी लो रखा होगा इनने। 147 MS की स्क्वाड पे चलते हैं, तो 147 MS फैजान बग्गी में आ रहे हैं, क्लोजिंग जरूर करने की कोशिश रहेगी। एस आर्सनिश नॉक जरूर पड़े, देखते हैं इसके बाकी बंदे इस क्रोकी और इस अदनान कहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है अपने बंदे से, रिवाइव देने की कोई सिचुएशन नहीं बनेगी यहाँ पर। यहाँ से इस क्रोकी के सामने 147 MS की स्क्वाड जरूर है,
लेकिन 117 MS के स्क्वाड को लगता है कि अभी भी बंदे हैं इनके सामने, लेकिन वो काफ़ी पीछे हैं इनसे। तो यहाँ पर एक और किल 147 MS के नाम ज़रूर हो जाएगी, फिनिश कर दिया। तो 8 किल्स आ चुके हैं 147 MS पे। देखते हैं जोन की तरफ नज़र, तो जोन ने एक और सेंट्रल शिफ्ट ले लिया। कार्टिंग की स्क्वाड अभी काफ़ी ज़्यादा जोन के बाहर है, तो जल्दी से इनको जोन में आना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। एलाजार के साइड पर काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड जो देखने को मिल रही है। एस की स्क्वाड के पास ड्रॉप आ चुका है 147 MS की स्क्वाड के सामने। डी सी रेमिंगटन जो वुल्फ की तरफ से खेले ये भी वहीं पर है, तो शायद से इनको मुश्किल हो सकती है अभी फाइट देखने को मिलेगी हमें। एस की स्क्वाड को जोन इन करना पड़ेगा। वॉरलॉक की स्क्वाड जोन इन करते हुए हमें दिख रही है। राइज के दो ही बंदे अभी जिंदा है इनके सामने से, एक स्क्वाड टीम डॉन्टलेस की स्क्वाड जोन इन जरूर करते हुए नजर आ रही है हमें। देखते हैं राइज के दो बंदे अपनी स्क्वाड को कहाँ पर लेके आते हैं और कैसे जोन इन करेंगे, यहाँ पर देखने की बात रहेगी, क्योंकि दो ही बंदे जिंदा है। हमने काफ़ी बार देखा है कि दो बंदों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें लाते हुए दिखे हैं हमें दो बंदे। राइज फ्री के यहाँ पर अभी भी होल्ड करते हैं, ले जाने फाइट में इन्वॉल्व जरूर हुए। चलते हैं बीस्ट पे, शॉट इनके सामने टीम डॉन्टलेस जरूर है, फाइट जरूर ले रहे हैं, शॉट जरूर ले रहे हैं, लेकिन इनके थोड़ी सी खराब सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अभी इनको जोन में भी जाना है। इनके लिए बेटर रहता कि ये फॉल बैक करके जोन में जाते। ओजी हमास ने वॉरलॉक स्नेक्स को नॉक दे दिया, तो चलते हैं वॉरलॉक की स्क्वाड पर। वॉरलॉक की स्क्वाड यहाँ पर जोन में आते आते इन्वॉल्व हो चुकी है फाइट में इनके सामने। यहाँ पर ओजी हमास को नॉक दे दिया वॉरलॉक निंजा ने, बहुत ही बढ़िया तरीके से ओजी हमास नॉक पड़े हुए हैं। फ्लेक्स भी इनके सामने का बहुत ही बढ़िया कवर अपनी स्क्वाड की तरफ से बचे हुए हैं। देखते हैं इनके सामने 1v4 का सिचुएशन है, नेड करने की कोशिश रहेगी। वॉरलॉक डीएमएक्स इनके बिल्कुल सामने है, वॉरलॉक डीएमएक्स पुश करने जरूर आएंगे इनको। वॉरलॉक बराबर ओजी मुही ने नॉक कर दिया वॉरलॉक किंग को, बहुत ही बढ़िया नॉक। ट्रॉक्सिन बॉटेक्स ने बॉब द बिल्डर को नॉक कर दिया वहां से। ओजी मुहित अकेले बंदे जरूर बचे। मॉली भी की काफ़ी बढ़िया तरीके से 147 MS ने बीटीबी बग्स बनी को यहाँ पर कर दिया। रेडिएटर जे के आर ने आई वोल्ट्रॉन को भी नॉक कर दिया जे के आर पे काफ़ी बढ़िया तरीके से। ओजी मुहित गिर के फिनिश हो चुके हैं, थोड़ा सा टफ लग रहा है इनके लिए, गिर कर फिनिश हो गए। चलते हैं बॉटिक्स की स्क्वाड पे, इनके सामने कार्टून की स्क्वाड दिख रही थी हमें, लेकिन शायद से कार्टून की स्क्वाड कौन है। यहाँ पर कार्टून की स्क्वाड की तरफ से आई शिन चैन और आई पोपाया जिंदा है, तो इनके सामने टीम डॉन्टलेस की स्क्वाड है। राइस की स्क्वाड लेफ्ट पे, तो देखें क्या यहाँ पर रोटेट कर पाएंगे। शुगर डैडी ने नॉक दे दिया बीटीबी रिव्यू को, चलते हैं शुगर डैडी पे। नंबर 147 MS जूस ने बीटीबी क्रिम्सन को भी नॉक दे दिया 147 MS नियो। नंबर बीटीबी डिफेंस को फिनिश दे दिया शुगर डैडी ने, काफ़ी बढ़िया खेलते हैं शुगर डैडी यार। 3 किल्स आ चुके हैं इनके पास, इनके पास सामने बीटीबी आयरन नाइट है, तेरे बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से बचे हुए हैं। ये बिल्कुल स्मोक्स काफ़ी ज़्यादा करके रखे हुए हैं इनमें। वॉरलॉक यहाँ पर गिर के नॉक हो चुके हैं, बीटीबी क्रिम्सन को फिनिश करने की कोशिश रहेगी। 147 MS काफ़ी स्लो जरूर आए हैं, देखते हैं बीटीबी आयरन हैंड की तरफ बन रही है। लेकिन यहाँ पर बीटीबी आयरन हैंड को बीस ने पीछे से थर्ड पार्टी में फिनिश कर दिया है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में फिनिश हो चुके हैं बीस ने फिनिश कर दिया बीटीबी आयरन हाइड को। स्कोप बीस में नॉक कर देंगे, सामने एक बंदा था लेकिन नहीं स्कॉट कर पाया इसको। यहाँ पर 147 MS नियो फिर से डाउन हो चुके हैं, इनके पीछे जरूर एक और स्क्वाड हमें देखने को मिल रही है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या 147 MS को थर्ड पार्टी हो जाएगी, और यहाँ पर हो भी गई है। 147 MS ज्यूस को नॉक दे दिया है I-69 के बंदे ने इसराइल, लेकिन शुगर डैडी का बहुत ही बढ़िया कवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुगर डैडी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर जरूर किया इनके सामने, लेकिन दो बंदे चार्ज करते हुए आ रहे हैं। शुगर डैडी ने स्मोक जरूर किया है, रिवाइव दे पाएंगे इनके राइट पे। इसराइल नॉक पड़े हुए हैं, दे चलते हैं हम इसराइल पे, देखते हैं उनको रिवाइव देने के लिए कोई आ रहा है या नहीं। इसराइल अभी भी नॉक पड़े हुए, इनके दो बंदे सामने जरूर आईसी लिंक यहाँ पर रिवाइव देने की कोशिश करने के लिए जरूर आएंगे। एमपी से कर लिया है शुगर डैडी ने, इसराइल को फिनिश दे दिया। अब यहाँ पर जाने के लिए 147 MS फैजान काफ़ी ज़्यादा लो हो चुके हैं, लो ऑन HP है फैजान। बगी का कवर लेके हील करने की कोशिश रहेगी, इनके बंदे जरूर इनको कवर दे रहे होंगे। चलते हैं शुगर डैडी पे, कवर देने के लिए तैयार है शुगर डैडी। जोन के बाहर ये फाइट चलती है, जोन करना पड़ेगा। और यहाँ पर 147 MS फैजान पे बहुत ही बढ़िया नेट, प्रीडिएटर जे के आर गॉड का फैजान नॉक हो चुके हैं। टॉक्सिन बॉटिक्स ने ड्यूटी देने को नॉक दे दिया, पीछे से शॉट्स आ रहे हैं शुगर डैडी को, बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं। IGT लिंक यहाँ पर देखते हैं कैसे अपनी फाइट निकाल पाएंगे। DT जेनो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, टॉक्सिन बॉटिक्स की तरफ से ब्लीच। आईशिनचैन OP यहाँ पर राइस लीग को नॉक दे दिया, वुल्फ फुरकान भी आ गया चुके हैं 147 MS। नियो ने बीच को फिनिश दे दिया, DT एबल ने यहाँ पर एलेक्स बॉटेक्स को नॉक दे दिया। जो चलते हैं बॉटेक्स की स्क्वाड पे, एलेक्स बॉटेक्स यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं। ट्रॉक्सिन बॉटेक्स और इंसेंट डीएस अकेले दो बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से इनके सामने। DT एबल है टीम बॉटेक्स की तरफ से, टेक डाउन कर दिया ट्रॉक्सिन बॉटेक्स बढ़िया तरीके से। KLR सो थोड़ा सा लेट हो गया कवर देने में, गाड़ी को भी फिनिश कर दिया ट्रॉक्सिन बॉटेक्स ने, बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रॉक्सिन बॉटेक्स खेले हैं। बॉटेक्स की स्क्वाड की तरफ से 4 किल्स आ चुकी है ट्रॉक्सिन बॉटेक्स के खाते में, काफ़ी बढ़िया खेले हैं। चलते हैं 147 MS की स्क्वाड पे, जो अभी भी जोन के बाहर में दिख रही है। तो चारों बंदे अलग
जरूर है इनके सामने फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन जोन जाना पड़ेगा क्योंकि जोन भी आ रहा है और यहाँ पर कॉल बैक करने का डिसीजन लिया है। गाड़ी नहीं है जूस ओबी के पास, बगी में चढ़ चुके हैं, शायद से पीछे से काट उसके बदले टेक डाउन कर पाए। 147 में नियो अभी भी पीछे अपने स्क्वाड के लिए, हेलमेट नहीं है नियो के पास, ऑन फुट जा रहे हैं कार्टून्स के बंदे, शायद से टेक डाउन कर सके नियो को, लेकिन उनने भी बीआरडीएम लेके यहाँ पर सामने शॉट जरूर लिया, लो भी रखा है इनकी बीआरडीएम को, रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि बीआरडीएम से फायर नहीं कर सकते और यहाँ पर गाड़ी भी फट सकती थी। बॉटिस की स्क्वाड इनके जोन इनके सामने जोन में तो आ चुके हैं, यहाँ पर शुगर डैडी यहाँ पर बॉटिक्स की स्क्वाड के काफी क्लोज आ चुके हैं, चलते हैं शुगर डैडी पे। 17 अभी भी अलाइव है इनके सामने, बॉटिक्स की स्क्वाड जरूर है, राइट साइड से वॉरलॉक की स्क्वाड है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, हेड करने की कोशिश रही शुगर डैडी के लिए, कनेक्ट नहीं हो पाया। बीच से वुल्फ की स्क्वाड भी देख रहे हैं, फुरकान को नॉक कर दिया, वॉरलॉक निंजा ने लग बॉटिक्स को नॉक कर दिया, तो चलते हैं वॉरलॉक की 147 MS यहाँ पर 147 MS ज्यूस ने नॉक कर दिया एक फोर वुल्फ की स्क्वाड का। आईजीसी लिंक्स ने डीसी रेमिंगटन को नॉक कर दिया, इनके सामने नॉक पड़े हुए हैं। आईजीसी लिंक्स पे चलते हैं, देखते हैं अकेले बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से जिंदा जरूर है, पहले मेडकिट लगाने की कोशिश जरूर रहेगी, जोन के बाहर अभी भी जोन आना पड़ेगा। इनके सामने एस की स्क्वाड भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर कार्टून की स्क्वाड अभी भी इस कंपाउंड में होल्ड करके ट्रॉक्सिन बॉटिक जरूर उनके सामने दिख रहे हैं, लेकिन शॉट्स नहीं ले पाए। आईपोपाई काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से, इनके सामने बॉटेक्स के तीन बंदे जरूर है, शुगर डैडी भी अपनी स्क्वाड की तरफ से काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। शुगर डैडी यहाँ पर पीछे से स्क्वाड करने की कोशिश कर रहे हैं, 569 के दो बंदे जो वहाँ पर पिन डाउन हो चुके थे एक ही जगह पर, 147 MS फैजान आगे जाते हैं जरूर दिख रहे हैं। राइट साइड से एस की स्क्वाड अभी भी है, वुल्फ की स्क्वाड भी अब वॉरलॉक वुल्फ की स्क्वाड एलिमिनेट हो चुकी है, वॉरलॉक की स्क्वाड अभी देखने को मिल रही है राइट साइड से, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा 147 MS फैजान के लिए, क्योंकि दो बंदों की तरफ दो दो स्क्वाड्स की तरफ से टेक डाउन हो सकते हैं। यहाँ पर शॉट भी ले गए जैसा कि मैंने बोला था, वॉरलॉक स्नीक से नॉक कर दिया 147 MS फैजान को, यहाँ पर किसी और की तरफ देख रहे थे और नॉक कहीं और से हो चुके हैं। चलते हैं कार्टून्स की स्क्वाड पे, कार्टून्स के अभी भी दो बंदे होल्ड करके बैठे हुए, टीम किल्स 4 है इनके पास, आईशिनशान के पास 3 किल्स है और यहाँ पर आईपोपाई के पास 1 के लिए, बीआरडीएम जरूर है इनके पास। तो यहाँ पर जोन इन कर और जोन ने शिफ्ट ले लिया है, बहुत ही बढ़िया हार्ड शिफ्ट लिया है, एस पे पूरा जोन है 147 MS के लिए, ईजी जोन करना रहेगा। 147 MS जूस के साइड पे ही आ रही है एस की स्क्वाड, यहाँ पर एस पे चलो एस पे चलते हैं, एस के दो ही बंदे अभी जिंदा है, एस लोकी और एस खान वाइट, यहाँ पर आराम से कंपाउंड होल्ड करते हैं, ट्रॉक्सिन बॉटिक्स में नॉक दिया वॉरलॉक, बीएमएक्स को वॉरलॉक की फाइट जरूर देखने को मिल रही है बॉटिक्स के साथ, एलेक्स बॉटिक्स अकेले बंदे अपनी स्क्वाड की तरफ से जिंदा है, सामने वॉरलॉक किंग है इनके पास और वॉरलॉक स्नीक्स है इसके सामने और यहाँ पर आईपोपाई की गाड़ी फोड़ दी है 147 MS फैजान, यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं कार्टून्स की स्क्वाड बीआरडीएम फोर्ड के 147 MS से, इनकी किल भी ले ली है वॉरलॉक, नॉक नहीं कर पाए, जोन भी आ रहा है, जोन का डैमेज जरूर ले रहे हैं, प्रीडेटर जे के आर पर फिनिश होते हैं, आईजीसी लिंक्स को फिनिश कर दिया है, शुगर डैडी ने यहाँ पर बॉटेक्स स्क्वाड भी फिनिश होते हुए दिख रही है 147 MS के पास, 3 किल्स 19 आ चुकी है 147 MS के पास, बहुत ही बढ़िया 147 MS खेल रहे हैं यहाँ पर, 4 मैन स्टैंडिंग अभी भी है, वॉरलॉक स्क्वाड जोड़ते हैं, वॉरलॉक स्लीप ने नॉक कर दिया है शुगर डैडी को प्लेस उनसे, वॉरलॉक किंग नॉक हो चुके हैं, एस फ्लोकी ने 147 MS नियो को नॉक कर दिया, तो एस यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए दिख रही है हमें 147 MS की स्क्वाड पे, एस के दो ही बंदे अभी जिंदा है, 3 टीम्स हमारे पास लाइव है अभी 147 MS, एस के दो बंदे और वॉरलॉक के तीन बंदे उनमें से एक नॉक पड़े हुए हैं वॉरलॉक डीएमएक्स, तो देखते हैं यहाँ पर 4v3v2 का सिचुएशन देखने को मिल रहा है 147 MS, फैजान स्मोक जरूर करें नियो को रिवाइव देने के लिए, इनके सामने एस के बंदे हैं टेक डाउन कर सकते हैं, स्मोक्स में से रैंडम शॉट्स नहीं लिए एस की स्क्वाड ने। चलते हैं शुगर डैडी पे जो यहाँ पर वॉरलॉक की स्क्वाड को अभी भी होल्ड करती है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया खेल है आज शुगर डैडी, 6 किल्स हैं इनके पास ऑलरेडी, फैजान के पास 6 किल्स है, नियो के पास 2 किल्स है और ज्यूस के पास 5 किल्स है, काफ़ी बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं 147 MS, 4 मैन स्टैंडिंग अभी भी है और किल्स ऑलरेडी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, 19 किल्स है अभी इनके पास, स्मोक कर रहे हैं शुगर डैडी, राइट साइड से कवर जरूर बना रहे हैं वॉरलॉक के तीन बंदे, अगर जोन की बात करें तो वॉरलॉक का कोई भी बंदा अभी जोन में नहीं है, 147 MS के बंदे जरूर जोन में, तो वॉरलॉक के लिए थोड़ी सी वॉरलॉक निंजा को काफी बढ़िया तरीके से एंगल बना के 147 MS ज्यूस ने नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया वॉरलॉक निंजा को शुगर डैडी ने, एस अदनान ने यहाँ से वॉरलॉक स्नीक्स को नॉक कर दिया, तो एस यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए वॉरलॉक की तरफ दिख रही है, फिनिश करने की कोशिश रहेगी वॉरलॉक स्नीक्स को अपने लिए किल लेने की कोशिश, क्योंकि एस के पास अभी भी कोई किल नहीं है, 4v1 जरूर मिलेगी, बहुत ही बढ़िया नॉक शुगर डैडी की तरफ से, एस अदनान वाईटी को क्या ही बढ़िया तरीके से शुगर डैडी ने नॉक किया है, रिफ्लेक्सेस पे लो जरूर थे लेकिन नॉक नहीं हो पाए, वॉरलॉक के बंदे फिनिश हो चुके हैं, 4v2 की सिचुएशन यहाँ पर एस के स्क्वाड की तरफ से, एस यहाँ पर
थोड़ी सी मुश्किल में आ रही है क्योंकि 2v4 की सिचुएशन है। इस बंदे के लिए नेट जरूर कर रहे हैं लेकिन और यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं दोनों में। और यहाँ पर ऐसा दान वाइटी फिर से फिनिश हो चुके हैं, यहाँ पर नॉक हो चुके हैं फिर से नेट के। M24 ने जरूर है स्लोप के पास, देखते हैं कैसे यहाँ पर फैजान यहाँ पर पुश करने जरूर। फैजान ने टेक डाउन भी कर लिया है स्लोप ही को यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। चिकन डिनर 147 MS की तरफ से बहुत बढ़िया डोमिनेशन दिखाई है 147 MS ने। 8, 9, 10, 10 और 12 22 किल चिकन डिनर 147 MS की तरफ से, क्या बढ़िया डोमिनेशन 147 MS का। और मेरा मार का चिकन डिनर ले लिया है 147 MS ने, काफ़ी बढ़िया खेले हैं 147 MS। फैजान जूस ने 6 किल्स, शुगर डैडी के पास 6 किल्स और नियो के पास 2 किल्स। नियो हालांकि 2 बार डाउन होते हुए दिखे लेकिन उनकी स्क्वाड ने काफ़ी बढ़िया कवर किया और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये चिकन डिनर 147 MS ने ले लिया है। 147 MS फॉर अ रीज़न गाइस। देखो मैं 147 MS का बंदा थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ मैं, लेकिन एस की स्क्वाड की बात करें तो इसके 2 बंदे जिंदा थे, 1 किल है इनके पास। काफ़ी बढ़िया तरीके से पोजीशन पॉइंट जरूर लिए इसके 2 बंदों ने, स्लोकी और अदनान वाइटी ने अपनी स्क्वाड के लिए। लेकिन एंड पे 2v4 का सिचुएशन था और काफ़ी डिसएडवांटेज पे जरूर थे। #2 पे फिनिश कराया अपनी स्क्वाड को इस फ्लो की ओर, इस अदनान ने काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट पॉइंट्स लिए अपने लिए। वॉरलॉक की स्क्वाड #3 पे फिनिश किया उन्होंने 4 किल्स के साथ। एंड पे जोन की बीटी जरूर थी लेकिन 3 बंदे अलाइव थे तो #3 पे फिनिश किया वॉरलॉक की स्क्वाड ने। #4 पे हमें बॉटेक्स की स्क्वाड देखने को मिल रही है विद 6, 7, 8 किल्स, काफ़ी बढ़िया खेला है इन्होंने भी। ट्रॉक्स इन बॉटेक्स के पास 4 किल्स, काफ़ी बढ़िया खेला अपनी स्क्वाड की तरफ से। #5 पे iFlex69 की स्क्वाड ने फिनिश किया विद 2 किल्स। तो यहाँ पर दूसरा मैच भी ख़त्म होते हुए आखिरी दिन, फाइनल्स के पहले दिन का दूसरा मैच जो कि आखिरी मैच था आज का, ये भी फिनिश हो चुका है। चिकन डिनर ले लिया 147 MS ने विद टोटल डोमिनेशन ऑफ 22 किल्स। काफ़ी बढ़िया खेले यहाँ पर 147 MS। और मेरा मार का मैप भी ख़त्म होते हुए काफ़ी बढ़िया फाइट्स देखने को मिली। गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 200 सब्सक्राइबर्स का गोल रहेगा हमारा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। तब तक मैं देखता हूँ OP खेल रहे हैं भाई, गधी 147 MS। हाँ 147 MS OP यार, 147 MS इज OP। GG बॉयज, ओ भाई OP, थैंक यू क्वीन गेमिंग, क्या ही खेला अकाल ने, काफ़ी बढ़िया। अकाल इज अकाल यार। हाँ तो यहाँ पर हो चुका है आज दिन का आखिरी मैच भी ख़त्म, जो कि था मिरामार और चिकन डिनर ले लिया है 147 MS की स्क्वाड ने 147 MS जूस यहाँ पर इनवाइट करते हुए। यार गॉड हो क्या, आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऐसे रीट्राई करके जाते हैं। पहले फैजान को इनवाइट करेंगे। अब इनवाइट नहीं एक्सेप्ट करेंगे यार, क्या मसले हैं यार। फैजान भाई गॉड हो क्या, नहीं मतलब गॉड हो क्या, ब्लश नहीं करो आप, देखो ब्लश नहीं करो, शर्माओ मत, अच्छा खेला आपने, शर्माने की कोई ज़रूरत है नहीं। 22 किल चिकन डिनर लेते हो आप यार, हमें भी सिखा दो थोड़ा कैसे हो जाता है ये। ओ भाई इस बार 4 बंदे थे, पिछली बार वरना गस की तरह 3 थे। ज्यूस पहले डब्बा है करने भी आ गया वहां, तो वहां भी उन्होंने दिया था नॉक एक बंदे को, लेकिन कमबैक और व्हाट इट इज, कमबैक और व्हाट बॉय, गॉड और व्हाट गॉड और व्हाट। और कल को पता कितना डैमेज था, 6 किल पे 19 तो खेला भाई, 19 तो, ओ कल 19 तो डैमेज। अकाल ने क्या किया है, उसने क्या स्प्रे मारे आज। और यहाँ पर हमारे फैजान भाई, तेरे को पता है मैं पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे को क्या गेम चल रही थी, काफी बढ़िया सपोर्ट दिया तूने भी, एंगल काफी अच्छे निकाल के बहुत बढ़िया। नियो की तरी पाना नियो को भाई, नियो को क्या किया भाई, वही वही भाई मैंने वो बोला स्ट्रीम पे, वहां दिखाई फाइट HMU वाली। हां तेरे भाई ने क्या जीत दिया, हमको विगल विगल मैंने विगल विगल नियो 2 बार नॉक हुआ, पहले वहां HMU से, और वो नॉक होना भी सहा लिए मगर इसी जगह हुआ, काफी बड़ा बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर किया, काफी बढ़िया तारीफ काफी कर रहा था मैं, मत टेंशन मत लो, काफी बढ़िया खेला आपने, कम बैक रुकना अभी, कल भी है ना एक गेम चिकन डिनर, कल भी है, जीत सकते हो आराम से। 22 किल चिकन डिनर लिया तुमने, को तुम लोगों के पास काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं। पहला गेम हगा फुल हगा, तीन ही बंदे क्यों खेल रहे थे, ओ भाई ये पता ही नहीं कहां थे, घूम रहे थे पता ही नहीं कहां, काफी अच्छा ओपी बहुत बढ़िया भाई। तारी खुशी होती है मुझे जब 147 चिकन लेती है भाई, देखो दिली खुशी होती है मुझे,
वाकई थकते हो कभी कभी, लेकिन अकेले हार गए थोड़ी काम अकेले। थी। हाँ ले सर्वर ही ले ले, अपना ही पूरा सर्वर ले ले, इसमें क्या है, सब कुछ ले ले घर का इसमें। पीओ भी मांगा जा रहा है उधर सबर किसने में। मांगा पता पीओवी? नहीं, रुको रुको रुको, रुको पीओ भी निकालना पड़ेगा दे मेरे को पीओवी, दे पीओवी जा। अब ओ जब भाई ऐसे खेलोगे तो पीओवी देना पड़ेगा भाई। गॉड और व्हाट यार, 147 MS इज ओपी यार। अदील खान क्या बोलू मैं आपको, 147 MS इज ओपी, काफी बढ़िया। चल जूस में जाता हूँ, ठीक है, मैं थक गया, मर गया मैं तब से। देख लो तुम लोग पीओवी क्या देना है किसको, एंड पे फिर पीओवी ही मांगते हैं भाई लोग। देखो ऐसा ही है, पीओवी देने पड़ेंगे और पीओवी देंगे भी यार, इनके पास है पीओवी। तो गाइस इसी के साथ फिनिश होता है एस का फाइनल्स का पहला दिन। दो मैचेस थे, रंगल और मिरामार। तो मिरामार का चिकन डिनर 147 MS ने ले लिया है। PMPL के ट्राई करो PMPL। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें फाइट्स देखने को मिली। पहले मैच का चिकन डिनर राइज की स्क्वाड ने लिया और दूसरी मैच का चिकन डिनर यहाँ पर 147 MS की स्क्वाड ने ले लिया है विद 22 किल्स। काफ़ी बढ़िया डोमिनेशन देखने को मिली हमें 147 MS की तरफ से। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, शाम को डेली स्ट्रीम करूंगा मैं, जो मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ। तो गाइज सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और एरीज अभी कितने मैचेस हैं? अभी एक मैच है कल, अभी एक और मैच है इनका। गाइज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो चैनल को। शाम को डेली स्ट्रीम पे मिलते हैं, थोड़ा सा क्लासिक खेलेंगे नूब की तरह, क्योंकि हम तो यार इतना अच्छा खेलते हैं नहीं। तो कल मिलते हैं, कल होने वाला है आखिरी मैच, और कल 4Q Queens के इन्विटेशनल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं और मैं वो स्ट्रीम करूंगा कल। तो मिलते हैं कल, तब तक लिए बाय गाइस। ये कुछ ही पता नहीं, ये कौन है पता नहीं भाई, ऐसी बातें नहीं किया करो यार। तो गाइस मिलते हैं शाम को, शाम को डेली स्ट्रीम पे मिलते हैं। और फिर कल होने वाला है आखिरी मैच फाइनल्स का, द बेस्ट स्क्वाड ऑफ कश्मीर ऑर्गेनाइज्ड बाय एस गेमिंग का फाइनल्स होने वाला है कल। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं शाम को।